तुम राधा दासी की प्राप्ति के लिए प्रयास मत करो, राधा की दासी के लिए प्रयास करो। तो यहाँ गुरुदेव हर चीज में हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जब हमें शिक्षा प्रदान नहीं करे। तो इसलिए गुरुदेव हमारे हिंदी जगत के लिए गुरुदेव का बहुत बड़ा अवदान है। हिंदी जगत के लिए हमें क्या दिया, इतने सारे ग्रंथ दिए। गुरुदेव जब जनकपुरी मठ में आया करते थे तो जनकपुरी मठ में आके आत्म तत्व की शिक्षा से प्रदान करके, आत्मशक्ति तत्व की शिक्षा प्रदान करते हुए हमें शरीर और आत्मा को समझाते हुए, तो सबसे ऊपर क्या उन्नत जल भाव राधा दासी तो हमें बताते थे। गुरुदेव के अवतार में कहने को बहुत कुछ, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमें आज तक हम परिचित नहीं थे, जिस चीज से हम परिचित नहीं रहे वो क्या था, कहते थे आराध्य भगवान वर्जित, हमें बताते थे कि आराध्य भगवान वर्जित कन्या तद्दाम वृंदावन रम्या काशित उपासना ब्रजवदन चरकार कर पिता। कहते हमें कौन सी आराधना करनी है, हमें यहाँ पर ये चीज हमें यही पता चली जो आज तक हमें पता नहीं थी। आराध्य भगवान वर्जित कन्या ब्रज के नंदन ब्रजेश कन्या, तो जिसका नाम क्या वृंदावन, तो हमें अब वृंदावन क्यों हुँ? कहते हैं ब्रजेश कन्या तद्दाम वृंदावन, और कैसी उपासना करके, जिस प्रकार से उपासना कॉपियों ने करी, तो सबसे उन्नत उज्ज्वल भाव हमें प्रदान किया। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। वांछा कर मधुर विषय कृपा सिंधु के विचार पते धनम पावे गुरु वचन। हरे कृष्णा, देखिए सब लोग कितने सुंदर सुंदर बोल गए हैं। देखो हमारे ये संगम में है सबसे बेहतरीन है उमा दीदी, उमा दीदी का उम्र हम लोग को पता नहीं, मैं दूसरे के पास तो नहीं जानता, मैं अपनी बोल रहा हूँ। जैसे उमा दीदी की उम्र में तहलका मचा रहे हैं पूरा विश्व में, हम लोग उस उम्र पर पहुंच पाएंगे कि अभी कोई गारंटी नहीं है। और उमा दीदी को दिन रात स्वस्थ रखने के लिए रंगत जी कितनी प्रयास करती है, इससे मैं रंगत जी से अनुरोध करता हूँ, बाकी पूरे समय पुष्पांजलि प्रदान करें रंगत जी। हरे कृष्ण।
will come back and he will speak later. But she used to say that try to come to bed. And so like that, we were inspired that he was mercy to go to bed. We are going to very mercifully gave it me Harina in the afternoon it was, and Madhavi, we arranged it somehow. He wouldn't do that, but on that's the day he very kind and mercifully did. We'd like to make sure that I have no qualification at all. गुरुदेव ने अपने अत्यंत अत्यंत अहितु की कृपा के कारण उन्हें हमें अपने चरणों में लाया है, सभी वैष्णवों के चरणों में। मेरे को मेरी कोई भी योग्यता नहीं है इसके लिए। हिंदी दो दो हिंदी के हो गए। सो गुरुदेव ने हमें, मैं बस यही मेरा खेद है कि मैं उस अपने भाग्य को जान नहीं पाई। गुरुदेव की ही कृपा से किसी न किसी दिन शायद वो मुझे अनुभव हो जाए। और जो ये गुरुदेव ने हमें भाग्य प्रदान किया है कि ऐसी सारी जो भी व्यवस्था है ये गुरुदेव ने ही हमारे लिए की है। और मुझे याद है गुरुदेव ने मुझे हरिनाम दिया है और उन्होंने मुझे कहा कि चार माला करो कम से कम, क्योंकि तुम ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ हरिनाम करने के लिए। और गुरुदेव ने बड़ी दया करके, और ये गुरुदेव की ही दया है कि मैं आज इतने आगे तक आ पाऊँ और मैं अपने अनंत अनंत जीवन कालों को भी। यही गुरुदेव का गुणगान है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और किसी प्रकार से उन्होंने और सभी बहुत सुंदर रूप से गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं और इतने मधुर मधुर शब्दों से गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं, पर मुझे कुछ नहीं हो रहा। बस मैं यही प्रार्थना करते हूँ कि आप मुझे अपने पास ही रखें, अपने ही आश्रय में रखें सदैव। Now you're from Rangalaya Didi, you've heard. So now I am requesting. विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदारे माधुर्य गुणश्च युक्तम परम परम पुरुषम महांतम नारायणं शिरसानम सर्वथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज, भक्ति वेदांत प्रदंडी महाराज, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, भक्ति वेदांत वामन महाराज, भक्ति वेदांत स्वाति महाराज, हमारे परम पूज्य रामचंद्र प्रभु, उमादिति उत्तम प्रभु, सभी वैष्णव वैष्णवी, मेरे गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत स्वीकार करें। कितना सौभाग्य भी महसूस होता है और कितना दुर्भाग्य भी मेरे जैसे को महसूस होता है। जब हम श्लोक सुनते हैं प्रभु, अभी पिछले दिनों रामचंद्र प्रभु जी ने हमें शिक्षा अष्टकम
उपदेशामृत, मना शिक्षा इत्यादि सभी ग्रंथों का पाठ कराया और बड़ा उनका अच्छे से उनका अर्थ भी हमें हृदयंगम कराया। तो कितना सोच रहा था, कितना सोच रहा था, कितना सुन रहा था, कितने दिनों से गुरुदेव के बारे में, और अंत में निष्कर्ष तो ये निकला कि अभी एक श्लोक हमने सुना, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृश मिहाजनी नानुराग। कि भगवान आपने तो अपने नामों में सारी शक्तियाँ विभिन्न बहुधा भर दी और उनके लिए भी कोई नियम काल समय का इत्यादि वो नहीं रखा, और आपकी ऐसी कृपा होने पर भी मेरा दुर्भाग्य देखो कि मेरा उस नाम में अनुराग नहीं हो पाया। और इतने समय से हम लोग जो सुन रहे हैं गुरुदेव के बारे में, पीछे हमारे कितने ही गुरु भाई बहनों ने इतने इतने सुंदर उनकी मधुर स्मृतियां जो हैं वो श्रवण कराई, और उनको देख के ये लगा कि इतने दयालु गुरुदेव, इतने कृपालु गुरुदेव, और किस प्रकार उन्होंने हमें उठा के कहाँ से कहाँ जो है अपनी गोद में बैठा लिया, और फिर भी हम कितने दुर्भाग्य हैं कि हमारे मन में जो है उनके प्रति जैसा हमारे सभी गुरु भाइयों के मन में प्रेम है, जैसा उनके हृदय में एक भाव है, वो भाव हमारे हृदय में, वो अनुराग हमारे हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। अपने अनर्थ वो सब याद करते हो कि हम लोग कहाँ थे, कैसे थे, और किस प्रकार गुरुदेव ने एक ही बार दृष्टिपात करते ही जैसे पूछा आ गया और उसी समय हृदय में ये आया हो कि हाँ अब मेरी सारी खोज जो है, मेरी सारी और तृष्णाएं जो हैं, वो सारी जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी आज पूरी हो गई, आज मेरे को वो अनमोल वस्तु का दर्शन हो गया जिसके लिए मैं जन्म जन्म से भटक रहा था। और उसके पश्चात तुरंत ही जो है एक कथा भी श्रवण में आई, किस किस प्रकार एक गोबर में कुल बुलाता हुआ कीड़ा जो है उसको मधुमक्खी ने देखा और उससे पूछा तुम कौन हो भाई, तो उस कीड़े ने कहा मैं कीड़ा हूं, कहाँ रहते हो, यहीं रहता हूं, अरे क्या खाते हो, यही खाता हूं, क्या यही जीवन है तुम्हारा, हाँ मेरा तो यही जीवन है। मधुमक्खी ने कहा अच्छा आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस मकरंद का, उस पुष्प का, उसका आस्वादन कराता हूं जो तुमने कभी नहीं किया। और मधुमक्खी ने उस कीड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उसको ले जाके एक पुष्प में छोड़ दिया। अब वो पुष्प में वो कीड़ा जो है वो उस मकरंद का, उस पराग का आस्वादन करते हुए सोचने लगा मैं कितना भाग्यवान हूं। सुबह पुजारी उठे, उन्हें पुष्प चयन के लिए गए, वो पुष्प भी उन पुष्पों के साथ आ गया और कहां पहुंच गया, गोविंद चरण, रमन बिहारी जी के चरण में चढ़ गया, आ गया यहाँ पे, और चारों ओर धुन सुन रहा है गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ, इसको उस कीड़े की जो दशा थी, मैं संसार में लिप्त वो गोबर का कीड़ा उसी में आस्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य मान रहा था कि मैं, और तुरंत जो है साधु हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमें हरि नाम के दर्शन कराए, ठाकुर जी के दर्शन कराए और कहा कि इसका रस आस्वादन करके भी देखो। और वो जो कीड़ा वहां पहुंचा, उसने उस धुन को सुना, उसमें मग्न हो गया। संध्या हुई, दर्शन बंद हुए, मन में एक आशा, वो ध्यान कि ये दर्शन सदैव मेरे मन में रहे, ये ठाकुर जी मेरे सामने रहें, नित्य रहें, और इसी ध्यान को करते करते वो पुजारी जी ने फूल ले जाके यमुना जी में डाल दिए, चढ़ा दिए, अर्पण कर दिए। अब वो कीड़ा जो है धीरे धीरे वहां पुष्ट होने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया, सांप जैसा हो गया। गरुड़ जी ने देखा कि मेरा आहार, जैसे ही सिर बाहर निकाला, झपट्टा मारा, पकड़ा, प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन उस समय ध्यान क्या चल रहा था, वो गोविंद दामोदर माधवेति, और चित्र कौन सा सामने था,
वो चित्र था ठाकुर जी का सामने, और भगवान कहते हैं कि अंत समय कलेवर छोड़ते समय जो मेरा ध्यान करता है, जिस चीज़ का स्मरण करता है उसको वही रूप प्राप्त हो जाता है, वो स्थान प्राप्त हो जाता है। तो तुरंत उसको जो है रूप मिल गया चतुर्भुज नारायण का, और गरुड़ जी देखने लगे हैं ये ठाकुर जी आप, प्रणाम किया, दंडवत किया। अब ये जो कीड़ा है ये सराह रहा है उस दिन को जिस दिन वो मधुमक्खी उसके जीवन में आई थी और उसको ले जा के उसने ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाया था और उसका रसा स्वादन कराया था। अब वो उसी को धन्य मानता है, उसी की कृपा मानता है, गरुड़ जी उसको परिक्रमा करके वैकुंठ लोक में ले गए। और यही परिस्थिति जो है हम अपने जीवन में अनुभव करके इतने गदगद होते हैं, इतने आनंदित होते हैं कि किस प्रकार हम संसार में लिप्त, संसार रूपी गोबर में लिप्त, उस समय संसार सब कुछ लगता था, और आज कम से कम ये एहसास तो हो गया कि हाँ ये संसार अनित्य है। संसार दावानल, संसार दावानल लीढ़ लोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम। हे गुरुदेव आप हमारे जीवन में ना आते। लोग गाते हैं यंग कली रूप शरीर न धारत, कौन खोलता वो द्वार, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं आए होते, हमें गुरुदेव ने अपनी शरण में न ग्रहण किया होता, न लिया होता, न कृपा की होती, तो आज हम उसी संसार में बड़े आनंद से, बड़े सुख से अनुभव करते हुए उसी को भोग रहे होते, उसी गोबर में पड़े हुए, उसी कीचड़ में पड़े हुए। कितनी करुणा गुरुदेव की, कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी कैसा भाव गुरु के पास, और हमारा कैसा दुर्भाग्य कि वो कृपा जो है उसको हम समय पे पास होते हुए सब कुछ। पूज्यपाद माधव महाराज हमारे साक्षी हैं, महाराज कहते थे कि नहीं आप जाओ महाराज के हाथ में दो, मैं कहता था नहीं महाराज आप ही पकड़ो, आप ही जो हमारी भेंट है, वो भी प्रणाम ही देने की भी हिम्मत गुरुदेव के पास जाने की नहीं होती थी, प्रणाम करना बड़ी दूर से प्रणाम करना, महाराज ने कहना नहीं आगे जा अपने आप देखे, नहीं महाराज आप ही, मैं नहीं जा नहीं सकता मैं आप। और आज वो एक भाग्य हमारा, अच्छा सौभाग्य जिसको मैं कहूँ, कैसा सौभाग्य कि गुरुदेव ने हमारे जो गुरु भाई जितने हमारे गुरुवर्ग, जितने हमारे हम तो गुरु भाई कहें, हमारे सीनियर जो जितने वैष्णव, सबके सब में गुरुदेव ने वही करुणा, वही प्रेम, वैसा ही मिठास, वैसा ही दया, वो सब की सब चारों ओर। पहले तो अकेले गुरुदेव करते थे, अब तो पचासों लोग, सौ लोग, सैकड़ों लोग वही करुणा लेके हमारे ऊपर वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः, ये करुणा बनी रहे हमारे ऊपर। और ये जो आविर्भाव है गुरुदेव का, ये सब इसी करुणा के साथ, इसी कृपा के साथ आशीर्वाद वर्षण करें कि ये आविर्भाव हमारे हृदय में भी हो जाए, गुरुदेव का वो भाव जो देना चाहते थे उसका आविर्भाव हमारे हृदय में हो जाए। इसी के साथ वांछा कल्प तरुभ्यश्च, हरे कृष्णा। आप लोगों ने तमाल प्रभु से सुना जब गरुड़ जब उनको पंजा मारा, लोग नारायण का रूप धारण कर लिया। उनका कहने का तात्पर्य है नारायण का रूप तो कोई धारण नहीं कर सकते, नारायण जैसे ही रूप धारण कर लिया मतलब चतुर्भुज रूप में आए, क्योंकि भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकते, कोई उनके समान है, इसलिए भगवान जैसे रूप धारण था परिवर का रूप, तो गुरु को पीठ बैठा करके वैकुंठ ले गए। सारूप को अब मैं वासुदेव प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि गुरुदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें वासुदेव प्रभु। 10-10 मिनट सारूप को ले लो, ले लो, ले लो।
ओम अज्ञान निरंदस्य ज्ञानार्जन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं जगद्गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, तत्पश्चात जगद्गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे सभी गुरुदेव के निज जन पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव महाराज जी, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी और सभी सन्यासी वृंद वैष्णव के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। महाराज जी की आज्ञा हुई है कि गुरुदेव के बारे में हम कुछ बोलने का प्रयास करें। इसे तो हम कल ही से सुन रहे हैं, इतनी विद्वत सभा में हमारी योग्यता नहीं कि गुरु जी के बारे में कुछ कह सकें, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। एक बार श्रीला स्वामी प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने कहा कि आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ, ही इज़ अ वैकुंठ मैन। खाली तीन शब्दों में उन्होंने कहा ही इज़ अ वैकुंठ मैन। तो इसी प्रकार हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार गुरुदेव राधा रानी के निजजन हैं और उनकी क्या हम महिमा का हम गुणगान कर सकते हैं, हमारी योग्यता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता के लिए जो कुछ हमने अनुभव किया या गुरुदेव के संग में आए तो जो कुछ समझा उसे बोलने का प्रयास करूँगा। एक तो कल मैं महाराज जी को बता रहा था गुरुदेव की सभी चीज़ें में वैशिष्टता है। कल मैं महाराज जी को कह रहा था 11 फरवरी 2021, तो मैं कहा देखिए 11 फरवरी 2021 डेट है, गुरुदेव और हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी है महाप्रभु से 11वीं जनरेशन में है, 11th जनरेशन में। एकादश अधस्तन 11th जनरेशन। तो 11th जनरेशन में 11 फरवरी दो है ना, जो दो महापुरुष हैं और जो सबसे 21 हैं, ठीक है, जो 11th जनरेशन में सबसे 21 जो दो महापुरुष हैं, हम उनकी कल तिथि को हम पालन कर रहे थे। गुरुदेव की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में जो गुरुदेव का जो ऐसे ज़्यादा संग हुआ नहीं, लेकिन वाणी का ही संग ज़्यादा, जब भी गुरुदेव को मिलते भी था तो मुझे माधव महाराज से इतना डर लगता था, सुयोग भी मिलता था तो मैं जल्दी से भाग जाता था, मैं बोला डांटेंगे महाराज। इसीलिए गुरुदेव की वाणी का संग करने का मैंने प्रयास किया कि जितना हो सके मैं गुरुदेव की वाणी पढूं सुनूं, और गुरुदेव कृपा करके कभी भी कुछ संशय हुआ, मैं तो समझता हूं अगर मैं आज हरिनाम भी कर रहा हूं यहां खड़ा भी हूं तो केवल और केवल सारा आश्रय केवल और केवल गुरुदेव की वाणी जो मैंने पढ़ी है उसी को है। क्योंकि पहले मैं गुरुदेव से हरिनाम तो हो गया था, लेकिन इस्कॉन से शिक्षा मिली, फिर मैं पालन करने लगा, तो इतनी सारी बातें उधर उधर से सुन के इतने सामंजस्य, इतना कन्फ्यूजन, लेकिन सब चीज़ का सामंजस्य पहले भी आज भी केवल और केवल गुरुदेव की हरिकथा से मिला है। और कभी मैंने देखा कुछ भी प्रश्न है गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव की कथा पढ़ो, उसमें उत्तर मिल जाते हैं। और गुरुदेव की आप देखिए वाणी का एक वैशिष्ट्य है ना, गुरुदेव जैसे बोलते हैं ना, गुरुदेव भी बोलते थे सेम वाइन इन न्यू बॉटल। अब गुरुदेव की कथा पढ़िए, हमारे पूर्व जो भी आचार्य हैं है ना, वो कट कॉपी पेस्ट वाली कथा नहीं है, गुरुदेव अपनी वाणी में अपनी भाषा में जो सुंदर तरीके से जो गुरुदेव जो चीज़ों को बताते थे। देखिए ऐसे मनमना बहु श्लोक की व्याख्या है ना, पहले तो मैंने जितना पढ़ा है कोई भी आचार्य की वैसी व्याख्या नहीं पढ़ी। या आप ये देखिए गुरुदेव ने जो गीता का सार में बताया किस प्रकार से 5 प्रकार के भगवान ने उपदेश दिए, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं गुरुदेव कहीं नहीं पहले लिखा है या कुछ नहीं, उसको भी इतना सुंदर तरीके से गुरुदेव प्रकाशित करते हैं। जैसे मैं और भी चीज़ें हैं जो गुरुदेव की कृपा से समझी जो शायद कहीं और पढ़ी नहीं है लेकिन गुरुदेव ने उसको प्रकाशित किया है। जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी के समय मैं गुरुदेव की कथा में सुन रहा था कि भगवान पुरुषोत्तम नरसिंहदेव पुरुषोत्तम मास में प्रकट हुए, फिर पढ़ा कि हरि भक्ति विलास में तो सनातन गोस्वामी पाद कुछ और कह रहे हैं, उनने कुछ महीना शायद ज्येष्ठ महीना है क्या, वो उनने वर्णन भी किया,
तो मैंने कुछ भक्तों से भी पूछा कि ये गुरुदेव तो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन सनातन गोस्वामी पाद तो हरिभक्ति विलास में कुछ और लिख रहे हैं, तो इसका सामंजस्य कैसे करें। तो फिर किसी ने मुझे कहा गुरुदेव ने ऐसे गलती से बोल दिया होगा। तो मैंने कहा गलती से बोल दिया होगा, मैं बोला ठीक है गुरुदेव से प्रार्थना की। मुझे दो जगह मिला गुरुदेव ने उस चीज को लिखा भी है, एक तो नवदीप धाम परिक्रमा किताब में जब नरसिंह पल्ली का गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं वहां लिखा है, और भी कहीं मुझे याद नहीं आ रहा। गुरुदेव ने दो जगह कहीं स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान नरसिंह देव पुरुषोत्तम मास में प्रकट हुए। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, नरसिंह पुराण, भागवत, नारद भक्ति सूत्र, अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन सुना है मैंने, मैं बचपन से भी सुनते आ रहा था कि नरसिंह देव पुरुषोत्तम मास में प्रकट। तो गुरुदेव नई नई अद्भुत अद्भुत चीजों को हृदय में भी प्रकाशित करते हैं, ग्रंथों में भी प्रकाशित करते हैं। और जैसे एक बार मैं एक बहुत ही फेमस भजन है वो गांधी जी गाते थे, वैष्णव जन तू कहने कही है, हाँ, तो मैं एक बार पढ़ा उसको, तो पढ़ा तो मैं कहा ये तो बिल्कुल त्रिनादापि सुनी चेन का ये तो कॉपी है। फिर और नरसिंह मेहता के बारे में पढ़ा, फिर मैं देखा उन्होंने तो हजारों हजारों लिखे हैं। फिर और भक्तों के बारे में पढ़ा, मतलब इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा है, कैसे पढ़ेंगे इसको, जीवन में कैसे पढ़ सकते, कैसे सब कर सकते। गुरुदेव की कृपा देखे, मतलब गुरुदेव को प्रार्थना कीजिए एकदम सामंजस्य, गुरुदेव की कृपा से समझा बस सब कुछ, संसार में जितने कीर्तन पद जो कुछ है शिक्षाष्टकम पढ़ लीजिए उसमें सब आ गया, क्योंकि श्रद्धा से लेके महाभाव तक सब कुछ शिक्षाष्टकम है। तो गुरुदेव की कृपा से इसी प्रकार से कुछ भी प्रश्न होते हैं तो गुरुदेव सामंजस्य करते हैं, हृदय में प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही मैं अभी लॉकडाउन में पढ़ा, कहीं गुरुदेव कह रहे थे कि रूप गोस्वामी के ग्रंथों में से लाखों लाखों चैतन्य चरितामृत निकल जाए। तो मैं सोच रहा था चैतन्य चरितामृत तो बोलते हैं कि हमारे गौड़िया संप्रदाय का श्रेष्ठ ग्रंथ है, ये हमारा हाईएस्ट है। गुरुदेव की कथा में कहीं सुना कि रूप गोस्वामी के ग्रंथों से लाखों चैतन्य चरितामृत निकल जाए, सब कुछ रूप गोस्वामी बेस है। ये जब लॉकडाउन था तो सुयोग मिला लघु भगवतामृत पढ़ने का, और क्या अद्भुत, मेरे ख्याल से महाराज जी भी उस समय लघु भगवतामृत पे कथा कर रहे थे, इतना अद्भुत रूप गोस्वामी ने लिखा। और हमारे बलदेव विद्याभूषण जी जो कमेंट्री भी है उस पे, तो मैं देख रहा था जो गुरुदेव बोल रहे वास्तव में सभी आचार्यों ने जो लिखा रूप गोस्वामी के ग्रंथों से ही कुछ ना कुछ लेके निकला लिखा है। फिर ऐसे ही और एक मैं अभी पढ़ रहा था बीच में, कुछ महाभारत पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा भगवान काम्यवन को गए पांडवों से मिलने, तो पांडवों से मिलने गए तो मैंने तो सोचा कि भगवान तो कभी ब्रज गए नहीं, ये काम्यवन तो ब्रज में ही आया। तो पांडवों से मिलने गए तो जब फिर ब्रजवासी कहाँ थे, फिर मैंने दो तीन भक्तों से जिनसे रेगुलर बात होती है उनसे पूछा, प्रश्न किया कि भाई इसका उत्तर क्या होगा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है भगवान तो गए नहीं। फिर गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की ब्रजमंडल परिक्रमा की किताब में इसका उत्तर मिल गया कि भगवान जब राजसूय यज्ञ के बाद वध करने गए शंखचूड़ क्या उसका नाम है, और उसके बाद फिर सारे ब्रजवासी अंतर ध्यान हो गए, फिर दंत वक्र को उसके बाद सारे ब्रजवासी अंतर ध्यान हो गए, और बाद में फिर उसके बाद महाभारत का प्रसंग आया और फिर भगवान काम्यवन, नहीं तो भगवान काम्यवन जाते तो जरूर ब्रजवासियों से भी मिलते, तो ब्रजवासी पहले ही अंतर ध्यान हो गए। हाँ भागवत में मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं खाली ये कह रहा हूँ कि गुरुदेव के ग्रंथों में गुरुदेव की वाणी में मुझे तो अभी भी कभी कुछ संशय होता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो, और कुछ भी दिक्कत है तो मुझे तो पहले भी आज भी मुझे केवल और केवल मुझे लगता है कि गुरुदेव की जो वाणी है वही हमारा सहारा है। तो गुरुदेव कृपा करें, उनके जो निजजन है जिनने उनकी निष्कपट रूप से सेवा किया, हम उनके आश्रय में रह के गुरुदेव के चरणों में हम आश्रय ग्रहण करें और उनकी सेवा कर सकें। वंशा कल कृपा संग पहले माधव महाराज जी से बहुत डर लगता था, लेकिन गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद मैं तो आश्चर्य हो गया, महाराज जी को मैं तो बच्चे की तरह रखते हैं,
हाँ महाराज जी साथ में द्वारका भी लेके गए, लेकिन अभी अभी तो महाराज जी डर लगने नहीं देते, पहले इतना डर लगता था मतलब क्या बता। हरे कृष्ण, मेरा कभी भी डरावना रूप नहीं था। गुरुदेव को डॉक्टर ने बताया, पहले पहले कोई पाबंदी नहीं था मिलने का, जब हार्ट का बहुत जल्द 2002 के बाद जब गुरु जी का सीवियर हार्ट अटैक हुआ था कलकत्ता में, गुरु जी के दोनों गुरु भाई हमारे गुरुपाद पद्म श्री बामन गोस्वामी महाराज और श्री विक्रम गोस्वामी महाराज दोनों अस्वस्थ होकर दो अस्पताल में एडमिट थे, अलग अलग अस्पताल में। माधव भाई चलो उनको देखने जाना है, ठीक है गए, तो दोनों के चिंता दो हार्ट अटैक हो गए, ऐसे सीवियर हार्ट अटैक बहुत, मैं क्या बोलना बोलो आप लोगों का कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे पूरा बॉडी ब्लड क्लॉट हो गया था। तो डॉक्टर बता दिया जो उनको मिलना चाहे मिलने दे दी। तो डॉक्टर क्या क्यों, मैं जब तक बात घटता न बीते पूछिए नहीं, इनका संभावना 2% मैक्सिमम, मैं किसी को कुछ बताता नहीं था, इसलिए जो मिलना चाहे मिल लेते। आईसीयू में है, आईसीयू में है दिन भर को कार्य नवृत्ति चाहिए तरह से दस बोले कोई तो खोफ नहीं है। देखिए कैसे मैं देखा, यदि मैं हंसू तो जगत हंसेगा, मैं देखिए आंख में आंसू लोग रोएगा। 2004 में गुरु जी का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था और गुरु जी का तबियत खराब होता या शनिवार या रविवार डॉक्टर मिलना मुश्किल होता। उस समय गुरु जी पात्रा अस्पताल में एडमिट थे, पूरा दिल्ली से इतने लोग जाते, 100 से अधिक लोग कम आ जाते नर्स ये लोग। मैं गुरु जी को डॉक्टर से कह करके नर्स से अनुमति लेकर के व्हील चेयर नीचे ले जाता। जब गुरु जी का ये ब्लड ये गॉल ऑपरेशन हो गया था, उसमें होता है जब किसी का एक बार ओपन सर्जरी किसी प्रकार होता है, दूसरे बार सर्जरी हो तो चमड़ा और इंटेस्टाइन जुड़ जाता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भरना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स को निकाल नहीं सकते, पेशेंट को रेक्टम के माध्यम से निकालना पड़ता था। और गुरु जी को डॉक्टर मुझे बता दिया इनके सर्वाइवल रेट 2%, ये पेट रक्षा भजन फट जाए, देखा भी इतना हो गया। मैं किसी को बोलने नहीं जानने नहीं दिया, मतलब कि वो किसी हमारे साथ रहे थे उन लोगों को भी नहीं बताया, वो लोग घबरा जाएंगे कैसे कैसे अपने दुखों में पिया। जब ठीक हो गया गुरु जी को नीचे ले आया, रामचंद्र सब लोग जाते, रामचंद्र जब बोला पापा हाउ हाउ रोने लगे, बाबा कैसे ड्रामा करते हैं, किसी को जानने नहीं दिया, शायद आपको याद होगा। बोले देखो मैं इसलिए ड्रामा करता हूँ कि गुरु जी की सेवा के लिए, मेरे आँख में कुल सुधा पूरा जगत रहेगा, मैं हंसू तो जगत हंसेगा, इसलिए मैं ये हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ हंसी के माध्यम से। तो डॉक्टर बता दिया गुरु जी 24 घंटे में आधा घंटा बोल सकते हो, भी एक साथ नहीं, एक साथ 5 मिनट के अधिक नहीं। फिर जब डॉक्टर बोला ऐसे नहीं चले, गुरु जी ऐसा हो नहीं सकता है, तो बता आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तब डॉक्टर गुरु जी बताया डॉक्टर को, अपने डॉक्टर माथुर है, ये केवल माध्यम एक व्यक्ति जगत में कर सकता है, बोला हमसे होगा नहीं दूसरे से होगा नहीं। तब गुरु जी डॉक्टर साहब ने बताया देख तू सबको डांटना ये करना, मैं लोग को खुश करने के लिए तुम्हें गाली दूंगा, कभी लाठी मारूंगा, कभी कान पर कभी तमाचा मारूंगा, तो बुरा नहीं मानो, बोले आपके ड्रामा करने में ड्रामा कर सकता हूँ। बोले तई प्रसन्न किमी है पर तई अप्रसन्न किमी है पर, यदि आप प्रसन्न हो जाए जगत की प्रसन्नता में जरूरत नहीं है, आप अप्रसन्न हो जगत प्रसन्न की जरूरत नहीं, आप जैसे कहें वैसे ड्रामा करना। मैं कभी भी इतना साल हो गया मठ में, कभी किसी एक दिन गाली भी नहीं दिया, एक तमाचा नहीं मारा, किसी को कोई कुकथा नहीं बोला, इन्हें रेकॉर्ड देख लो जीवन में, इसलिए डरा बना लो मुझे गुरु जी सेवा का नाटक करना पड़ा। हरे कृष्ण। अब मैं विनोद प्रभु से अनुरोध कर, विनोद प्रभु आए हैं क्या, विनोद प्रभु से अनुरोध करता हूँ गुरु जी तुझे पुष्पांजलि प्रदान करें 10 मिनट। हरि बोल। ये डायस में
सन्यासी लोग बैठने पर अधिक शोभा बढ़ती है। संतो ये कहा संत लोग उधर बैठे हैं, आ जाओ इधर, पर हमें भी शांति प्रदान करो। तो वासुदेव जी दादी तुम्हें शांति महाराज कहते थे, मैं देख ली। हम लोग जब बॉम्बे जाते वासुदेव की दादी उनको संत नहीं शांति महाराज बोले, शांति महाराज आ जाओ भाई वासुदेव भी है इधर, तो शांति हमें भी पता। राधा सन्मुख संशक्तिम सखी संग निवासिनी तामहम सततम वंदे गुरुरूपाम परम सखीम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बचपन में ना एक मूवी मेरे को बड़ी पसंद आती थी, हरिदर्शन। और अभी कुछ समय से कोरोना काल में जो है गुरुदर्शन मूवी ही चल रही है समझो, लगातार रोज है ना, अनइंटरप्टेड, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और वाकई में जब गुरुदेव प्रकट थे उस समय जो गुरुदर्शन की अनुभूति हुई उससे कहीं अधिक जो है अब गुरुदर्शन आप सभी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से उपलब्ध हो पा रहे। तो उसे जो थोड़ा बहुत विचार में आ रहा था मैं वही बोलने की चेष्टा करूँगा। आप सब मुझ पर कृपा करेंगे, जो भी अगर कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे और मेरा संशोधन करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को जिस भक्ति रस समुद्र का एक बिंदु चखाया, वो बिंदु भी एक अगाध समुद्र के समान ही है। और जिसका गुरुदेव जो है, गुरु कहते ना कि गंगार परश हैले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करे ए तोमर, तो केवल पवित्र ही नहीं, गुरुदेव के दर्शन से जीवों का हृदय पवित्र ही नहीं, वो एक ऐसी भाव तरंग में उसकी मतलब ऐसा एक भाव तरंग की अनुभूति जो है जीवों को होती थी कि मतलब वो समझ नहीं पाता था कि क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार हम सब के पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, तो जिसमें गुरुदेव न केवल एक लौकिक सद्बंधुवत व्यवहार के माध्यम से अपनी प्रेम प्रीति के माध्यम से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। जैसे कृष्ण, कृष्ण जो है कृष्ण मतलब आकर्षण करना और न मतलब आनंद प्रदान करना, ऐसे ही नारायण, तो जो जितने पतित बद्ध जीव हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो आकर्षित कर रहे हैं और ना आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसा आनंद प्रदान कर रहे हैं, जिस भाव में वो डूबे हुए हैं उसी भाव का ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। जिस भाव को देने में बड़े बड़े साधु इवन जो महाप्रभु के धारा में आए हुए वैष्णव जन भी अपराध ना हो, परंतु जो संभ्रम भयभीत करते मतलब संभ्रम भाव रखते थे जिस भाव को प्रदान करने के लिए भीत होते थे, परंतु गुरुदेव जो है उसी भाव को जो है बड़ी ही सरलता से जो है जीवों को हृदय में प्रदान करते थे। तो ये गुरुदेव का एक बहुत ही वैशिष्ट ऐसा है कि जो अभी जब से थोड़ा बहुत कुछ जानने लगे हैं ये गौड़ीय धारा के बारे में, तो ऐसा कहीं और दिखना जो है बड़ा ही दुर्लभ वस्तु है। तो गुरुदेव जो है शुरू से ही जो है उस भाव तरंगों में जो है सबको डुबकी लगाते थे और लगा रहे हैं इनफैक्ट। तो स्टार्टिंग से ही जैसे कृष्ण के बारे में क्या बताते हैं कि कृष्ण कौन से कृष्ण के प्रति आकर्षण मतलब सेवा के लिए भावना या जो लोभ देते थे कि जिसमें कह रहे हैं वेणु करा निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपित वसनम ब्रजराज सुनो यस्या कटाच शर्घात विमोचितस्या तम राधिका परिचरामि कदा रसेन, कि जहाँ पर कृष्ण जो है राधा जी के कटाक्ष से ही क्या है मूर्छित जैसी अवस्था हो रही है उनकी उनकी पीताम्बर मुरली मोर पंख सब जो है स्खलित हो रहा है ना।
और मतलब कि कृष्ण कितने कृष्ण जो है राधा जी के प्रेम में वशीभूत हैं, तो ऐसे कृष्ण के प्रति गुरुदेव जो है लोग जगा रहे हैं। और जो जैसे मैं वृंदावन जब जाता था तो वहाँ पे बहुत सारे वो श्लोक लिखे होते थे ना, तो उसमें से एक श्लोक पढ़ता था तो मेरे को समझ उस समय कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब गुरु वैष्णव की कृपा से जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ भाव समझ में आ रहा है कि जिसमें जो तुम विद्या सखी हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद वो भी क्या प्रार्थना करें, यत्किं करीषु कहुषा यत्किं करीषु खलुषा भव काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधेर विषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। कि वो सखी होते हुए भी क्या है, मतलब उस मंजरी भाव के प्रति कैसा लोभ उनके हृदय में भी प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसी इतनी जो दुर्लभ वस्तु है ना, गुरुदेव कितनी सरलता से जो है सबके हृदय में रोपण करते थे। और जितने मैं सोचता हूँ कि जितने अनंत कोटि अनर्थों का जो पहाड़ जो है ना, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब ये अनफैदेबल, क्या बोलते हैं उसको, कि जिसको पार करना जो है नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुरुदेव के लिए वो पहाड़ जो है मेरे हृदय में जो अनंत कोटि अनर्थों का जो भरा हुआ है वो भी क्या है, गुरुदेव के लिए बिल्कुल एक तुच्छ है, बिल्कुल मतलब इनसिग्निफिकेंट है उनके लिए। तो अंत में मैं ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के गुरुवर्गों के आप सभी के चरणों में रखता हूँ कि मेरे जो है अनर्थों अपराधों को क्षमा करते हुए और गुरुदेव के चरण कमलों में इसी प्रकार से जो वो लोभ देने आए उस लोभ का जो है मेरे हृदय में भी संचार करें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। वांछा कर्तव्य कृपा हरे कृष्णा। आप लोगों ने विनोद प्रभु से सुना, उनका कहने का तात्पर्य कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे, कृष्ण के भक्त में कृष्ण का गुण संचरित होता है, एक दिखाया। जैसे कृष्ण क्या करते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षण करते हैं, सबको आनंद देते हैं, ऐसे गुरुदेव छोटी छोटी बातों के द्वारा मंद मुस्कान के द्वारा सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। और जिस भाव में विभावित है राधा रस में उस भाव देख करके सबको आनंदित करके बहुत सुंदर छोड़ा। अब मैं रोहित नंदन को अनुरोध करता हूँ आके गुरु जी चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण दिनामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणम त्वं सर्वनामामि। नमो विष्णुपादाय भक्ति सिद्धांत स्थापिने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन इति नामिने सर्वदमने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, जिनका हम ये पूरा वर्ष हम उनके शतवार्षिकी उत्सव को हम मना रहे हैं, और विशेषकर दीक्षा गुरुपाद पद्म जिनका कल हमने शतवार्षिकी आविर्भाव उत्सव हमने मनाया, उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए या अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता और शिक्षा गुरु रामचंद्र प्रभु की भाषा में कहूँ कि हे गुरुदेव, आप इस हृदय में से जो सर्वोच्च प्रणाम है उसको खींच के आप अपने चरणों में स्वयं ले लीजिए, क्योंकि मेरी इतनी भी योग्यता नहीं है कि मैं आपको प्रणाम भी कर सकूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त डंडीपाड़गण वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। महाराज जी का आदेश हुआ है गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए, तो जैसा कि हम पूर्व पूर्व वक्ताओं से
ना ही केवल पिछले कुछ दिनों से, पिछले कई महीनों से इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, अन्य अन्य भाषाओं में हम गुरुदेव का गुण कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। तो अब ऐसा अनुभव होता है कि उल्लू ने दिन में आँख खोली है। अब ऐसा अनुभव होता है कि उल्लू ने दिन में आँख खोली है, क्योंकि अगर उल्लू दिन में आँख खोलता तो उसको कुछ दिखता नहीं है। वो गुरुदेव का वो तेज, वो प्रकाश, वो महिमा इस पिछले कुछ काल में ऐसा श्रवण करने को मिला, ऐसा कुछ अनुभव करने को मिला कि अभी तक लग रहा था कि अच्छे से कभी इनको जाना भी नहीं। तो वैष्णवों की ही आज्ञा को श्रद्धाय करते हुए और अपने कल्याण हेतु कुछ पुष्पांजलि उनके चरणों में अर्पित करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। वो पुष्पांजलि में मैं इन वैष्णवों के ही हाथ में देता हूँ कि आप ही उसको अर्पित कर देंगे। कोई त्रुटि, कोई भूल होगी तो आप क्षमा करेंगे। कुछ विचार हैं जो हृदय में कुछ महीनों से चल रहे हैं, उन्हीं विचारों को वैष्णवों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पता है कि शूद्र बुद्धि से मंद सुमंद मती है मेरी, और उससे मैं क्या बोल पाऊँगा, परंतु फिर भी रख रहा हूँ। धृष्टता क्षमा करें। अगर हम देखें श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने इस मठ मंदिर का निर्माण किया। क्या था उनका एक विचार जो वैष्णवों से श्रवण किया कि ये मठ मंदिर है क्या? ये वही राधा रानी का निकुंज है जिसको उन्होंने इस धरा धाम पे उतार दिया है। और वैसा ही एक निकुंज, एक ऐसा कुंज श्रीला गुरुदेव ने हम दिल्ली वासी, खासकर उत्तर भारतीयों के लिए, हमारे लिए निकुंज बनाए। कहाँ? मथुरा में बनाए, वृंदावन में बनाए, और यहाँ दिल्ली में हम, विशेषकर हम दिल्ली वासियों के लिए। और हम पे एक विशेष कृपा करी कि जब वह अपनी लीला कर रहे थे और अपनी लीला जब समेट कर जब वापस अपनी आराध्य, अपनी स्वामिनी की सेवा में जब वो वापस जा रहे थे, तो जो अंतिम जन्माष्टमी और राधाष्टमी है वो कृपा करके हम दिल्ली वासियों पे, हमारे साथ, हमारे बीच मना के वो हमें आशीर्वाद देके गए। सार रूप में जो हमने गुरुदेव के महात्म्य को श्रवण किया, अगर उसको मैं अपनी मोटी बुद्धि से समझाने की चेष्टा करूँगा तो ऐसा ही कह पाऊँगा कि जब शुरू में हम इस भक्ति लाइन में आए, इस गौड़िया वैष्णव विचारधारा से जब मैं जुड़ा, तो मैं जुड़ा इस्कॉन से। वहाँ आए तो क्लासेस होती थी आश्रय ग्रुप की, तो वहाँ बताया कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तब हमने पूछा कि भाई टीवी में तो दिखाते हैं कि वो तो विष्णु के अवतार हैं, आप कैसे कह सकते हो? कहते नहीं, विष्णु भी तीन होते हैं। कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु जो कि बलदेव प्रभु, इस प्रकार से उन्होंने वो कुछ चार्ट सा समझाया। मैंने कहा विष्णु वो भी तीन? तो वहां पे तीन विष्णु सोच के ही, तीन विष्णु के बारे में जानकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या पता चल गया मुझे। हाँ, पूरा जगत जो ये जानता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है, और आज मुझे ये पता चल गया अरे विष्णु तीन तीन है। और तब लगा कि अब मैं प्रचारक हो गया। हाँ, तीन विष्णु जानता हूं मैं, ये विष्णु ये करते हैं, ये विष्णु ये करते हैं, ये विष्णु ये करते हैं, ये विष्णु भी पता कहां से निकले, कृष्ण ने से निकले, इसलिए कृष्ण बड़े हैं। ठीक है, कुछ सालों तक इस अभिमान में चलते रहे, सुनाते रहे जो भी कोई मिलता। किसी प्रकार से गुरुदेव ने आकर्षित किया अपनी तरफ, यहां बिठा के अपने आश्रित जनों से और स्वयं की हरिकथा से कुछ चीजें श्रवण कराई। तब जो समझ में आया ना कि इस जगत में हम भाग रहे हैं, अरे ये मेरा गोल, ये मेरा एम, ये प्राप्त करना है, वो करना है, गुरुदेव ने हमारा एम निर्धारित कर दिया। एक जीव का क्या एम है, क्या एकमात्र गोल है, वो हमें सरल भाषा में समझा दिया। इसीलिए गुरुदेव के आश्रित जनों के भी आश्रित जनों के भी आश्रित जनों के भी बच्चे ये बोल देते हैं कि हमारा एम क्या है, राधा दास ये हमारा एम ऐसा सेट करके गए हैं गुरुदेव। जब यहां आए तब पता चला
कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या तद्धाम वृंदावन, कि हमारे आराध्य कौन है? भगवान ब्रजेश तन्या, ब्रज के जो राजा हैं कौन? नंद बाबा, उनके तन्या, उनके पुत्र, हमें उनकी आराधना करनी है। तो अब जो बात पता चली वो और हैरान करने वाली थी मेरे लिए। कहते हैं कृष्ण भी तीन है। मैंने कहा अभी तक तो प्रचारक था तीन विष्णु तीन कृष्ण, और नॉलेज मिल रही है। क्या है ये तीन कृष्ण? मथुरा के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण और ब्रज के कृष्ण। वाह, अब इस्कॉन वालों के सामने भी पता है हम द्वारका के कृष्ण और मथुरा के कृष्ण नहीं, हम ब्रज के कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ब्रज के कृष्ण तो थोड़े दिन ही हुए थे, तो ब्रज के कृष्ण, फिर और कथा और कृपा हुई तब समझ में आया ब्रज में भी ना तीन मुख्य भाव है। अच्छा, तो ब्रज में भी तीन कृष्ण है। अरे तीन तो कृष्ण थे ही, और वो ब्रज के कृष्ण भी तीन हो गए हैं क्या? एक साख्य के कृष्ण, एक वात्सल्य के कृष्ण और एक माधुर्य के कृष्ण। ओह, अब अच्छे वाले प्रचारक बनूंगा और बहुत नॉलेज, ज्यादा नॉलेज आ रही है। यस, ठीक है, क्षमा करना अगर मैं बहुत हास्य तरीके से बता रहा हूं, पर क्या करूं, ये विषय मेरे लिए ऐसा था। माधुर्य के कृष्ण, ये यस, ये हमारे टारगेट है, माधुर्य वाले कृष्ण, बाकी वाले कृष्ण नहीं, माधुर्य वाले कृष्ण। तो उस पर और कृपा हुई तो पता चला वो माधुर्य वाले कृष्ण भी तीन है। मैंने कहा अरे बाल की खाल की खाल की खाल, ये तो दिख भी नहीं रही क्या? वो माधुर्य के कृष्ण भी तीन हैं। कौन? स्वपक्षा विपक्षा ततष्टा। ना ततष्टा वाला कृष्ण चाहिए, ना विपक्षा चंद्रावली वाला कृष्ण चाहिए, स्वपक्षा राधा रानी के पक्ष वाला कृष्ण चाहिए। अब फाइनली पता चल गया, मुझे ऐसा लग रहा था अब निर्धारित हो गया कि कौन से कृष्ण की उपासना करनी है। महाप्रभु ने तो खाली क्या बताया, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या, गुरुदेव उसको और अंदर घुस घुस के हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण कौन है, कौन है अब हमारे कृष्ण? स्वपक्षा वाले। तब इन महाराज जी उन्होंने ना और आंखें खोल दी। मैंने कहा अब इतनी खुलने की जगह भी नहीं बची है, दिमाग मैगी जैसा हो गया था, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा। कह रहे हैं ये जो स्वपक्षा वाले कृष्ण है ना, ये भी तीन है। मैंने कहा ये भी तीन है, ये कौन है? भाई एक है जो जो राधा रानी है ना श्रेष्ठतम, जो इस पक्ष की जो आराध्या है, उनके भावों के अनुसार कृष्ण भी तीन होते हैं। कौन? संयोगिनी राधा, वियोगिनी राधा और विश्वभानुनंदिनी राधा। तब बताया कि विश्वभानुनंदिनी राधा, उन विश्वभानुनंदिनी राधा के जो कृष्ण है वो कैसे कृष्ण है? वो कृष्ण है जो श्रीमती राधिका के विरह में रो रहे हैं, जो उन मंजरियों उन सखियों के सामने हाथ जोड़ के अनुनय विनय कर रहे हैं। उत्कल्लिका वल्लरिकी के जो श्लोक उत्तम प्रभु ने किसी वैष्णव ने यहाँ बताया, मैं भूल गया, उन्होंने बताया कि जो उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मेरा मिलन उन राधा रानी से करा दो, और इन्हीं कृष्ण को हमारे शिला प्रभुपाद जी देना चाहते थे, हमारे शिला परम गुरुदेव देना चाहते थे, परंतु जैसा हमने सुना कि वो जंगल साफ, मायावाद के अंधकार के जंगल साफ करने में उन्होंने अधिक समय दिखाया, और गुरुदेव ने उसको हमारे सामने बड़े सरल सहज रूप में रख दिया। अगर आप वहाँ दर्शन कर रहे हैं श्री रमण बिहारी जी का, तो देखेंगे विग्रह कैसे हैं, कृष्ण गोरे हैं, परम गुरुदेव का भाव गुरुदेव ने बाहर निकाल के रख दिया कि जरा कृष्ण को देखो तो सही, वो कौन कृष्ण है? वह वो कृष्ण है जो राधा रानी के विरह में है। राधा रानी के विरह में ऐसी हालत हो गई है कि विवर्णता आ गई है, कि राधा रानी के भाव में इतने तदात्म हो गए हैं कि राधा रानी हो गए हैं, राधा रानी की अंग कांति हो गई है। अब अपने आप को क्या समझने लगे हैं, मैं कौन हूं? मैं राधा हूं। तो ये कृष्ण कौन है जो हमारे सामने खड़े हैं? जो भावात्मक दर्शन हमने पूज्यपाद वन महाराज जी से सुना था, तीन प्रकार के दर्शन होते हैं, अलंकारिक दर्शन,
विग्रह दर्शन के होता है अलंकारिक, उसमें एक भाव दर्शन होते हैं, जो जब भाव दर्शन हम करते हैं तो क्या दिख रहे हैं, वो कृष्ण किस भाव में है, राधा रानी के भाव में, और बगल में हम देखेंगे तो महाप्रभु कौन है, वह भी कृष्ण है राधा रानी के भाव में, और श्रीमती राधा रानी भी है किस में, राधा रानी के भाव में। तो गुरुदेव ने क्या दिया, विग्रह तीन पर भाव एक, वो सर्वोच्च भाव श्रीमती राधा रानी का भाव, वही बताया कि हमारे राधा वही है, उसी भाव की हमें आराधना करनी है। महाराज जी बस एक चीज लिखी है वो पढ़ दो। तो किसी प्रकार से कुछ समय पूर्व कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था, वो नीली नीली आंखें हैं जो करुणा का गहरा सागर है, वो जिस पर दृष्टिपात किया भक्ति रस में उसको डुबो दिया, पतितों को जो पावन करती दुखियारों के दुख को हरती, अनर्थ अपराधों से मुक्त कराकर दिव्य प्रेम का दान किया, अविद्या शोक मोह के अंधकार से भरे हुए उन हृदयों को भक्ति ज्ञान का उन्होंने दिव्य प्रकाश का मार्ग दिया, संबंध ज्ञान की शिक्षा से प्रयोजन तत्व की प्राप्ति तक अभिदय के उपदेशों को सरल सहज कर प्रदान किया, महाप्रभु की वाणी को विश्व भर में प्रचार किया, श्रद्धा से राधा दास्यम तक हर तत्व का है ज्ञान दिया, श्री रूप रघुनाथ की धारा का ऐसा सुंदर विस्तार किया, रूपानुग क्या होता है पूरे जग को समझा दिया, मायावाद के वादों को सहजियाओं के सहजपन को अपसिद्धांतियों के अपवादों को शिव बनकर संहार किया, सृष्टिकर्ता के रूप में जगत जीवों के हृदय में भक्ति लता का बीज डालकर भक्तों का निर्माण किया, सिद्धांतों के बाण बनाकर मधुर मधुर हरि कथा के जल से श्री नारायण के रूप में उन्होंने भक्तों का लालन पालन किया, ना गुम हो जाए इस संसार में ना माया में कहीं खो जाए, सदा रखो दृष्टि हम पर ऐसी हम पर कृपा करो, वो नीली नीली आंखें है जो करुणा का गहरा सागर है। हरे कृष्णा, आप लोगों ने रोहिणी नंदन प्रभु से भावभीनी पुष्पांजलि श्रवण किया। पते मुकं करोति वाचालं पंगुलं है, देख लीजिए श्लोक में बताया, यहाँ हमारे श्री तीर्थ महाराज ने देखा, पहले जब मठ में आया कुछ बोलने एक श्लोक भी उच्चारण नहीं कर पाते थे, सब उनको हंसी मजाक करते थे, जो गुरु कृपा थे कैसे हुआ, रोहिणी नंदन पहले से नहीं था, ये कुछ बहादुरी का काम कर दिया था, तब गुरु जी कृपा उन पर मिल गई। एक बार मैं अपने लाला के साथ किसी लिफ्ट में फंस गया था, लिफ्ट चले ही नहीं, तो ये रहीमन जान की बजाय अपने जान की बाजी लगाकर उसे बहुत मदद किया खुलने में, तब गुरु जी देख करके उनका बहुत उनके प्रसन्न हुए, तभी से इनका जो बोलने का ये टेक्निक भी दुआ चार गुना बढ़ता गया। रहीमनंदन प्रभु की जय। तो पूनम दीदी आ गई क्या, मीना प्रभु, डी आर मीना, मैं अजय पायलट से अनुरोध करता हूँ गुरु चरण में पुष्पांजलि प्रदान करे अजय प्रभु।
का डोसने कितने दूर लगा लेते हैं? नहीं नहीं, ये वाला, ये पॉइंट इसके स्क्रीन लो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामने। श्रीकृष्णलीला कथनै सुदक्षम औदार्यमोदार्य गुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महंतं नारायणं तं शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और उसके बाद अपने हमारे नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा गुरु वर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और हमारे त्रिरंडी पादगण मंच के सभापति भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज और बाकी सभी त्रिरंडी स्वामियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज ने 10 मिनट का समय दिया है, हालांकि गुरु जी के बारे में तो जितना चाहे बोल सकते हैं, जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही गुरु भी अनंत और गुरु कथा अनंता भी ठीक है। गीता में कहा गया है, जन्म कर्म चय में दिव्यम यो में वेति तत्वत है। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, जो इस बात को तत्वतः जान जाता है वो इस संसार में फिर लौट कर नहीं आता। यही बात गुरु जी के लिए भी सत्य है। गुरु जी के भी जन्म और उनके कर्म और उनका आना और जाना सब दिव्य है। कल आपने सुना महाराज जी किस तरह से इस संसार में आए, 7 फरवरी 1921 में मौनी अमावस्या के दिन जब कीर्तन हो रहा था चारों तरफ, उस समय महाराज जी का आविर्भाव हुआ। उस लोक से इस लोक में पधारे महाराज जी। और फिर जीवन भर उन्होंने जो कर्म करे, कर्म नहीं कह सकते उसको हम, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कर्म तो हमारे प्रारब्ध से आते हैं, उनका कोई प्रारब्ध नहीं है। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से लीलाएं करते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। हमारी तरह उनका काम नहीं है कि हम बाध्य होकर आते हैं, बाध्य होकर संसार में काम करते हैं 3 गुणों के नीचे रह के, और बाध्य होकर ही संसार से हमको धक्के मार के निकाला जाता है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन काल जो है हमारे लात मार के हमको यहाँ से बाहर करता है। हम रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। महाराज जी को देखो कैसे महाराज जी अपनी इच्छा से गए। इसके बारे में अपना थोड़ा अनुभव बोलना चाहता हूँ। जब महाराज जी अपने अस्वस्थ लीला कर रहे थे तो यहाँ मठ में ऊपर रहते थे, तो हम लोग उनसे मिलने आते थे। बहुत लोग मिलना चाहते थे महाराज जी से, लेकिन मिलना हो नहीं पाता था। हम लोग बाहर बैठ के कुछ कीर्तन करते थे, आशा लगा के बैठते थे कि आज शायद दर्शन होगा, लेकिन फिर वो दरवाज़ा खुलता नहीं था। शाम को वापस घर चले जाते थे। अगले दिन फिर आते थे, फिर कीर्तन बैठते थे। कभी कभी माधव महाराज की कृपा होती थी, 2 इंच दरवाज़ा खुल जाता था और हम लोग 10 फीट दूर से थोड़े से ऐसे ऐसे करके हजारों लोग देखने की कोशिश करते थे, थोड़ा सा दर्शन पाते थे और फिर वापस चले जाते थे। इस तरह से कई दिन बीत गए। घर में बैठे थे हम लोग, बड़ी ग्लानि हो रही थी मन में, गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, दिल खोल के बात नहीं हुई, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मन में बड़ा ताप हो रहा था, कोई उपाय भी तो नहीं था, कोई उपाय नहीं था। अब इतने बड़े बड़े वैष्णव सेवा कर रहे हैं, अब देखो महाराज जी की अद्भुत लीला करते हैं। महाराज जी हर भक्त के दिल में क्या चल रहा है इसको जानते हैं, एकदम पास हैं आपके, एकदम पास है। आज ही महाराज जी की सुबह सुबह फोटो आई, वहां पे लिखा हुआ था, मेरे जाने के बाद भी अगर तुम कोई मुझसे सवाल पूछोगे मैं जवाब दूंगा। आपने देखा सबने व्हाट्सएप पे, महाराज जी कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, मुझसे तुम सवाल पूछोगे मैं जवाब दूंगा। पूछने वाला तो खड़ा हो कम से कम। हम कहाँ पूछते हैं, हम तो पड़ोसी से पूछ लेते हैं, हम तो पत्नी से पूछ लेते हैं, हम तो हस्बैंड से उपाय ढूंढ लेते हैं, गुरु से नहीं पूछते कभी भी। गुरु के प्रति हमें अपनी प्रॉब्लम रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, गुरु बताएगा, गुरु दिशा देगा, और गुरु हमेशा है। तो ऐसे ही हम घर बैठे थे, बड़ा मन में पीड़ा हो रही थी, इतने में ब्रजनाथ प्रभु का फोन आया। ब्रजनाथ प्रभु कहते हैं गुरु जी को पुरी जाने की इच्छा है और उनकी फ्लाइट की टिकट नहीं हो रही। जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं था आज तक। महाराज जी
34 टाइम्स दुनिया का चक्कर कटाया था, कभी उनको फ्लाइट की टिकट की प्रॉब्लम महाराज जी ने मुझे नहीं बोली थी कभी। आज पता नहीं क्या हुआ, आज महाराज जी को हमारे मन की पीड़ा समझ में, पीड़ा को सुनाई दी शायद महाराज जी को, और उन्होंने हमको बुलाने का उपाय किया। कैसी लीला रची देखिए। तो जब ब्रजनाथ प्रभु का फोन आया तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा तुम कुछ कर सकते हो, मैंने कहा हाँ प्रभु जी कुछ कर देंगे, लेकिन मुझे पता था मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टिकट का डिपार्टमेंट मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ पायलट हूँ, जहाज़ को उड़ाना जानता हूँ, उसकी बुकिंग करना हमारा काम नहीं है, न हम जानते हैं उसके बारे में, फिर भी मैंने मैं कुछ कर दूंगा। तो मैंने देखा कंप्यूटर खोल के तो सारी फ्लाइट तो फुल थी, तो मैंने कहा क्या करें, और एक ही फ्लाइट जाती थी एयर इंडिया की, तो मैंने एक दो बिजनेस क्लास सीट खाली थी, तो मैंने कहा ये महाराज जी के लिए ले लेते हैं, इससे काम हो जाएगा हमारा। जीवन में मैंने आज तक कभी फ्लाइट की टिकट नहीं खरीदी क्योंकि मैं पायलट हूँ, बिजनेस क्लास तो छोड़ो इकोनॉमी भी नहीं खरीदी मैंने, मैं फ्री में जाना वाला, मुझे आदत नहीं टिकट, लेकिन पहली बार गुरुजी के लिए टिकट खरीदी, मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये गुरुजी की आखिरी यात्रा है, ऐसे मन में एहसास हुआ। तो मैंने कहा ये गुरुजी के लिए हम बिजनेस क्लास टिकट लेते हैं, और फिर मैंने प्रभु जी को फ़ोन किया कि प्रभु जी आपकी टिकट हो गई है, कहते आ जाओ तुम, तो मैं आया यहाँ मिलने के लिए, अब आप देखिए महाराज कैसे मिलते हैं। टिकट नहीं चाहिए महाराज जी को, महाराज जी को दर्शन देने हैं, महाराज जी को मेरी हृदय की इच्छा पूरी करनी है। टिकट तो हजारों बना ली उन्होंने, कि पूरी 34 टाइम्स जो दुनिया में घूम चुके हैं वो एक क्या छोटी सी टिकट के लिए मेरे को फ़ोन करेंगे। आप देखो कैसे महाराज लीला करते हैं। महाराज जी किस हम मिलने आए और दरवाज़ा खुला, जो 2 इंच खुलता था पूरा आज 2 मीटर खुल गया, हम अंदर गए और आप मानेंगे नहीं, महाराज जी मैं और मेरी पत्नी अकेले, माधव महाराज भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ के चले गए। गुरु जी ने क्या लीला की, माधव महाराज भी नहीं और कोई महाराज नहीं, कोई भक्त नहीं आसपास, हम अकेले बात कर रहे हैं 1-to-1 और खुल के। तो मुझे लगा, मैंने गुरु जी से अपने पिता किस तरह पूछा, मैंने कहा महाराज जी हम लोग बहुत घबरा गए थे जब हम परिक्रमा कर रहे थे, हमने सोचा हमें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सब कह रहे थे गुरु जी अपने गुरु जी की, गुरु जी ने अनाउंसमेंट कर रखी थी पहले किसी सभा में, मुझे नहीं पता कहाँ की थी, लेकिन हम सबने सुना था कि अपने गुरु जी की तिथि में जाएंगे, और हम सभी लोग तैयार थे। जब गुरु जी की तिथि आई थी बावन महाराज जी की, पूज्य बावन महाराज जी की, तो हम सब रात भर कीर्तन करते रहे थे वहाँ बैठ के कि गुरु जी आज चले ना जाएं। और हमारे माधव महाराज जी, तीर्थ महाराज जी, उनका हाथ मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं, हाथ पकड़ के नरसिंह मंत्र का जाप कर रहे थे सारी रात। हाँ, तो पता महाराज जी क्या बोलते हैं, अब देखो और कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी थी। महाराज जी कहते हैं, मैंने कहा महाराज जी हम इतना घबरा गए कि आप चले जाएंगे उस दिन, तो महाराज जी कहते हैं धत तेरे की, मैं तो जाना ही चाहता था, इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। देखो महाराज जी प्लानिंग करके जा रहे हैं, अपनी तिथि निश्चित कर रहे हैं, हमारे जैसे नहीं जा रहे, जब मर्जी निकल गए, जब लात पड़ी निकल गए, ऐसा नहीं है, सोच समझ के अपने गुरु जी की तिथि में कह रहे हैं। मुझसे कहा उन्होंने, मैं जाना चाहता था लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। किन लोगों ने? इन लोगों ने। तो महाराज जी कितने भक्त वात्सल्य हैं ये भी उनका पता चलता है। अपने भक्तों के लिए महाराज जी ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। जो इतने बड़े महाराज हैं, जो उस जगत की मंजरी हैं, अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही, माधव महाराज जी का प्रेम, तीर्थ महाराज जी का प्रेम, ये सब महाराजों का प्रेम, कितना उसका इज्जत करते हैं महाराज जी, इस बात को देखिए आप। जो अपने उन लोगों को वेट करा रहे हैं, हमारे भवन महाराज जी वेट कर रहे हैं उनके लिए, वहाँ पे वो सब मंजरियाँ वेट कर रही कि हमारी रमण मंजरी आ रही है, वहाँ उत्सव होने वाला है, कैंसिल कर दिया महाराज जी, नहीं हमारे ये यहाँ साधु लोग बैठे, इनकम पे बात मानूंगा, माधव महाराज जी की बात मानूंगा, तीर्थ महाराज जी की बात मानूंगा। उन्होंने अपना डिसीजन को कैंसिल करके अपने भक्त वात्सल्य की परिचय दिया यहाँ पे। वो महाराज ने मेरे को बोला धत, मैं तो जाना चाहता था, इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। अब दूसरी एक बात, फिर मैंने ऐसे ही महाराज जी को अपने पिताजी की तरह समझते हुए पूछा, मैंने महाराज जी आपको, आप ठीक तो फील कर रहे हैं, आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही, ऐसे मैंने पूछा जैसे अपने पिता से पूछते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, इसको आप सुन के भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। महाराज जी ने कहा बेटा ये बुढ़ापे की तकलीफें जो हैं इसको मुंह से नहीं बयान कर सकते, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें ये तकलीफ़ जीवन में देखनी ना पड़े। मेरे तो आंसू आ गए, मैंने कहा महाराज जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी की हालत देखी, एकदम पतले हो चुके थे, लेकिन हमें आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम्हें जीवन में ये तकलीफ ना देनी पड़े। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया गुरु जी के लिए, कुछ किया जीवन में कभी? हम तो भैया 100 रुपये देते तो सोचते 50 बार यार नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, और गुरु जी क्या दे रहे हैं, दिल खोल के। हमारी कंजूसी तो देखिए, कितने कंजूस हैं हम लोग, और गुरु कितने दुदार हृदय हैं, क्या दे रहे हैं। एक बार किसी सेवक ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी हम आपकी सेवा कैसे करें, तो गुरु जी बोलते हैं प्राण दे सकता है मेरे लिए, देखो क्या बोल रहे हैं, प्राण दे सकता है मेरे लिए। आप सोचोगे गुरु जी बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, प्राण मांग रहे हैं हमारे, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत छोटी चीज़ है। कबीरदास क्या कर रहे हैं,
यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये खाली गुरु मिलने की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, सेवा के नहीं बता रहे। अभी गुरु प्राप्त हो जाए उसके लिए क्या देना पड़ेगा? कहते शीश देना पड़ेगा तब मिलेंगे गुरु, और हमें तो ऐसे मिल गए, हमें तो ऐसे मिल गए। हम क्या वैल्यू करें उसकी? हमें वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बड़ी आसानी से मिल गए। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं शीश दे के भी गुरु मिले तो भी गुड डील है, इससे गुड डील। क्यों गुड डील? क्योंकि लाखों जन्म लग जाते हैं गुरु मिलने में। भैया एक जन्म का अगर चले गया, तुम्हारा शर कट गया और गुरु मिल गए, सस्ता सौदा कर लो फटाफट, साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट में कि हाँ ले लो गुरु को। और यहाँ हम गुरु जी की सेवा के लिए अगर हमारी प्राण मांग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु जी ने अपने गुरु की सेवा प्राण दे के करी, आप सब जानते हैं किस तरह से टीबी हो गया था और परम गुरु जी ने कैसे सेवा करी है। लेकिन गुरु जी इसको और आसान करते, गुरु जी को पता है हम लोग निकम्मे हैं, हम लोग ऐसी सेवा जीवन भर नहीं कर पाएंगे। फिर किसी भक्त ने पूछा गुरु जी आप जब चले जाओगे तब पीछे से हम क्या करेंगे? अब इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरु जी कहने वाले हैं। किसी भक्त ने पूछा जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे से हमारा क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए? गुरु जी चाहते तो बोल सकते मेरी बुक्स पब्लिश करना, मठ मंदिर बनाना, ये करना वो करना, लेकिन गुरु जी ने सिर्फ दो अक्षरों में जवाब दिया, सिर्फ दो अक्षरों में। और अगर हम ये दो अक्षर करने के लिए कोई जेब से एक रुपया भी नहीं निकालना पड़ेगा आपको, न कहीं चल के जाना पड़ेगा, न कहीं किसी की चरण छूने पड़ेंगे, अपने घर में बैठे आप कर सकते हो। सिर्फ दो अक्षर, जानना चाहोगे क्या कहा गुरु जी ने? गुरु जी ने कहा मेरे जाने के बाद तुम लोग रोना बस। अगर हम रो सकते हैं गुरु जी के लिए सारा काम हो जाएगा, कौन रोता है गुरु जी के लिए? लेकिन हम तो पत्नी के लिए रो रहे हैं, हम तो पैसे के लिए रो रहे हैं, हम तो गाड़ी के लिए रो रहे हैं, हम तो घर के लिए रो रहे हैं। गुरु जी के लिए कभी रोया कोई? आज मेरी बेटी सुबह बिल बिला के रो रही थी, मैंने फ़ोन किया उसको व्हाट्सएप पे, तो मैंने उससे पूछा इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही है? तो पता है क्या कहती है? वो 17 साल की बेटी है मेरी, कहती है मैं अकेले यहाँ बैठी हूँ और वहाँ पे सब ग्रुप में इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है, मैं अकेले यहाँ बैठी हूँ, रो रही है, चुप नहीं हो रही। गुरु जी ने कहा ये काम करना मेरे जाने का, तुम रो ना। अगर हम गुरु जी के लिए रो सकेंगे सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने गुरु जी के लिए रो, उनको स्मरण करो, उनकी शिक्षाओं को याद करो। बड़ी मुश्किल से हमने उसको समझाया, बेटा देखो आजकल कोरोना सिर्फ इंडिया में ऐसा चल रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में अभी भी लोग घर में बैठ के जूम देख रहे हैं, तो इसलिए तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से वो मानी। तो इसलिए और हमारी कंजूसी तो देखो, ये हमारी ऑडियो सेवा टीम रोज दो दो लेक्चर गुरुजी के दे रही है। आप लोग सुने, आपने सुनते हैं सब? कितने लोगों ने सुने हैं? बस सभी को जरूर सुनने चाहिए। सुबह 6 बजे 2 लेक्चर आते हैं गुरुजी के। अरे अगर हम यहाँ धर्मपुरी आते हैं, मेरे को रास्ता नहीं पता, मैं किसी ठेले वाले से रास्ता पूछता हूँ कि भाई जनकपुरी मठ किधर है, तो बोलता है इधर है, उसको बोलता हूँ धन्यवाद थैंक यू। लेकिन हम लोग इतने निकृष्ट हैं, गुरुजी के लेक्चर सुनते एक लाइक नहीं दबाते वहाँ पे। दबाते हो आप लोग लाइक? अरे मैं देखता हूँ हजार लोग आते हैं इसमें सीन और लाइक होते सिर्फ 20। ये कैसा हमारा काम है? ये हम सेवा करेंगे गुरु जी की? एक लाइक नहीं दे सकते? लाइक देने का कोई पैसा खर्च हो रहा है? ये कहीं जाना पड़ेगा? कैसी हमारी ये गुरु सेवा है? क्या करेंगे हम? हम लाइक देने में इतनी कंजूसी है हमारी, अपने गुरु को लाइक नहीं करते किसको लाइक करेंगे दुनिया में? हमारा क्या हमारा वो होगा? मैं चाहता हूँ आप सब उसको सुने, सिर्फ उसको सुनने मात्र से हमारा कल्याण निश्चित है, गारंटीड। गुरु कह रहे गारंटीड उस लोक में जाओगे आप, मुझे पूरी आशा है, 100% डाउट नहीं मेरे को, समय जितना लगे लेकिन जाऊँगा जरूर पक्का। जैसे कल प्रभु जी कह रहे ना आशा है, मैं चाहूँगा सब लोग को लाइक करें, कमेंट भी करें, अपने हृदय के भाव तो लिखो, कुछ धन्यवाद तो बोलो, अरे कुछ नहीं आता जय गुरुदेव बोल दो, अरे नमस्ते डाल दो, ऐसे ऐसे बटन दबाना पड़ता है उसमें, कोई लिखना नहीं पड़ता, ये नमस्ते भी डाल सकते हैं, इतने अकृतज्ञ हैं गुरु जी के प्रति। कोई सेवा नहीं करनी तो ये तो करते कम से कम, ये भी सेवा है एक तरह की, क्योंकि जितना लाइक आते हैं गुरु जी का नाम उतना बढ़ता है उस पर, और उतना उस वीडियो को और लोग फॉलो करते हैं, देख पाते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं? आप देखो अभी खोल के देख लो, किसी के पास व्हाट्सएप पे खोल के देखो, यूट्यूब पे 1000 व्यूज, लाइक 26, शर्म आती है मुझे। ऐसे शिष्य का ऐसे शिष्य होते हैं हम लोग, इतने बड़े गुरु और क्या शिष्य हम लोग, क्या करेंगे गुरु जी के लिए? ऐसे गुरु जी को हम पाएंगे? देखो गुरु जी तो परम समर्थ हैं, वो प्रेम से भरे हुए हैं, उमड़ रहा उनका प्रेम। ठीक है, महाराज ने घंटी दिखा दी है, महाराज जी बड़े अच्छे हैं कि बजा नहीं रहे सिर्फ दिखा रहे हैं, महाराज गुरु जी तो बजा देते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है,
कि गुरु जी जो है उनका प्रेम उमड़ रहा है, ओवर फ्लो हो रहा है, आप उसमें स्नान कर सकते हैं। कमी हमारी तरफ से है, सारी कमी हमें अपने आप को देखना होगा, गुरु जी की सेवा के लिए उद्दत होना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, और कुछ नहीं तो लाइक ही करो, कम से कम इसी में काम हो जाएगा। वांछा कल्प करो भय कृपा पतिता नाम पाव वैष्णव। अरे मेरे को ही करना हरे कृष्ण। आप लोग अजय प्रभु से बहुत सुंदर भावभीनी पुष्पांजलि सुना। हरे कृष्ण। अजय जो अपनी बेटी के बात बताया ना, उसकी बेटी राधिका और रमानंदर यशोदा कितने सुंदर गा रही है। मेरे पर व्हाट्सएप में शायद प्रभु दयाल पिताजी ने भेजा, कौन भेजा, संत भाई ने भेजा, सुंदर सुंदर सुन रहा था, बहुत सुंदर गा रही है। पूनम दीदी आई है क्या? डियर बीना प्रभु ओके। और मैं सविता दीदी से आग्रह करता हूं आपके गुरु जी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। बैठ के मैं बोला बोले नहीं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मंच आसीन त्रिडंडी पाठगर शिला भक्ति वेदांत शिला मैडम महाराज जी, श्रीधर महाराज जी, बन महाराज जी, हमारे त्रिडंडी महाराज जी, श्रुति महाराज जी, शांत महाराज जी, अन्य त्रिडंडी पादगण, वैष्णव एवं वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा जथा जोग दंडवत प्रणाम। आज मत समझो महाराज जी की शताब्दी उत्सव हो गया, ये शताब्दी उत्सव पूरे साल चलेगा और सब मना चुके हैं और मन रही है प्रत्येक में हम लोग शांति से मनाऊंगे। मेरा मनाने का एक ही उद्देश्य होगा कि महाराज जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करना, वो मनाएंगे हम लोग
गौर हरि की लीला का हम लोग अरेंज करेंगे। महाराज जी को अत्यंत पसंद थी। एक बार मथुरा में हमारे मठ के सामने म्यूजियम है, वहाँ पर हरगोविंद जी की मंडली बहुत अच्छी है, उसकी महाराज जी रोज जाते थे वहाँ लीला देखने के लिए। पूज्यपाद हमारे माधव महाराज जी नहीं थे उस समय, नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी थे, महाराज जी के साथ जाते थे। महाराज जी पूरी लीला में रोते ही रहते थे। और दूसरा महाराज जी पता नहीं कुछ देख पाते कि नहीं देख पाते, महाराज जी का इतना मन पसंद था वो देखना। महाराज जी इसी को ही कराने के लिए हमारे दुर्वासा ऋषि मठ में बहुत सुंदर मंच भी बनाया महाराज जी ने कि मैं यहाँ गौरांग महाप्रभु की लीला कराएंगे, लेकिन नहीं हो पाई वहाँ। तो मेरे मन में हृदय में यही इच्छा है कि उन लीलाओं को कराएंगे, उन लीला के माध्यम से समस्त वैष्णवों का भी सम्मान होगा, सबके बीच बीच में वक्तिता भी दिलवाएंगे। और शाम को निकुंज लीलाओं का रसास्वादन होगा उन्हीं मंडली के द्वारा। अब कब होता है मैं सोचती हूँ अप्रैल तक में हो, नहीं तो फिर हम अपने महाराज जीओं से पूछेंगे कि ये लोग होंगे इनके ही सानिध्य में करा जाए। अप्रैल में करो, अप्रैल में होंगे आप, ठीक है। और हमारे ये हम लोगों को इच्छा हुए कि इसे हम मथुरा में ही कराएंगे, वृंदावन में तो होती रहती हैं, मथुरा में कराएंगे। पर मठ हमारा बहुत छोटा है, इसके लिए विचार बनाया है कि होली गेट पर अग्रवाल धर्मशाला है, बहुत बड़े बड़े होल हैं वहाँ। तो ठीक रहेगा कि अप्सरा की जहाँ पर हम लोग भागवत के हैं परमदेव, वो तो हमारे मथुरावासी समस्त मथुरावासी गौरांग महाप्रभु लीला के लिख ली तो अच्छा होगा, बहुत बड़ा जाएगा। चलो देखेंगे जो स्थान होगा देखेंगे। तो हमारी शताब्दी का मतलब पूरे वर्ष तक हम मनाएंगे, पूरे वर्ष तक, शताब्दी का केवल वर्ष तक नहीं, शताब्दी मतलब हर समय हमें अपने महाराज जी का स्मरण। अभी पूर्व महावक्ता बोल रहे थे कितना सुंदर महाराज जी के विषय में बोल रहे थे, ना चाहते हुए हृदय कांप उठा, हृदय ना चाहते हुए बरस पड़ा कि महाराज जी की अपनी ये कृपा एक है। गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे प्रत्येक पल पर प्रत्येक स्टेप पर जो मेरी कृपा का अनुभूति करेगा उससे भक्ति कोई दूर नहीं रहेगी। महाराज जी के ये मुख्य उनका हृदय का उद्गार था। महाराज जी के विषय में हम लोग पहले भी यहाँ पर 2 साल पहले आप लोगों ने यही प्रोग्राम कराया था, हम मैं भी आई थी, तो मैं बोल के गई थी ये शब्द कि इसी जन्म में हम लोग अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। क्यों? स्वरूप सिद्धा भक्ति के द्वारा मैंने कुछ बोला था, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया इस पर। श्री रामचंद्र प्रभु हमको बोले, गुरु महाराज जी का थोड़ा सा सामंजस्य करना पड़ेगा। हम क्यों बोलते हैं ये बात, मैं आज भी बोल के जाऊंगी, क्यों बोलते हैं ये बात समझो, एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। जैसे कि कोई अरे हमारे कहाँ भाग गए दीदी, हम ऐसे कैसे भजन कर सकते हैं, कहाँ हम लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, कहाँ हम स्वरूप सिद्धा भक्ति कर पाएंगे, कहाँ ये कर पाएंगे। अगर जो ऐसा कहता है तो समझ लो आलस्य प्रमाद है, वो भक्ति के नाम पर 0/0 दिखा रहा है उसका टेम्परेचर। देखो उदाहरण से देखो कि एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि मुझे 95% या 98% मार्क्स रखना है, वो जो क्लास स्टार्ट होती है उसकी उसी दिन से उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। कैसे करता है, जब वो स्टार्ट करता है ना अपनी पढ़ाई लिखाई ना, उसे किसी से बोलना, हंसना, बातचीत करना, टीवी देखना, यहाँ तक कि घर वालों से भी नहीं बात करता, उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता,
हर समय पढ़ता रहता पढ़ता रहता पढ़ता रहता है। क्यों? उसका एम है मुझे 95% मार्क्स रखना है। वो कभी भी एक सेकंड भी अपना खराब नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का लक्ष्य होगा कि इसी जन्म में प्राप्त करना है, तो हमारे साधन में कहीं कोई रुकावट, कहीं आलस, कहीं प्रमाद नहीं आएगा। अगर रात में भी 12 बजे भी आप खुलेंगी तो हाय, 4 घंटा मेरे सोने में निकल गए। मैं तो गिनकर श्वास लाई हूँ, 4 घंटा सोने में निकाल दिया मैंने, क्या उस समय नींद आएगी? हमारा एम है इसी जन्म में हमको प्राप्त करना है। अगर ऐसा एम बना रहेगा तो ठीक ठीक कुछ कुछ साधन भजन कर पाएंगे। और यदि ऐसे साधन भजन में ब्रज रस रसिक वैष्णवों का साथ मिल गया तो सोने में सुहागा है। आप प्रश्न पूछेंगे कि ब्रज रस रसिक वैष्णवों को कहाँ पाएं? घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है, इन लोगों की विशेष विशेष इनका परिश्रम है कि आज महाराज जी के 15,000 से भी ज्यादा लेक्चर पब्लिकेशन हो चुके हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं, बस महाराज जी का लेक्चर सुनो। साक्षात महाराज जी बैठे हुए हैं, साक्षात महाराज जी हम लोगों को सुना रहे हैं, और वैसा ही हरि नाम करो, फिर देखो कि कैसा भजन बनता है, क्या भजन में चमक आएगी। अभी महाराज जी, अभी अजय प्रभु कह रहे थे कि महाराज जी अंतिम समय कह रहे कि तुम मेरे लिए बस मैं चला जाऊं तो रोना। हमको रोना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम गुरु महाराज जी की महत्व को नहीं जानते। अपने भक्ति का क्यों कर रहे हैं, हरि नाम क्यों कर रहे हैं, गुरुदेव के वैष्णवों के चरणों से हम क्यों जुड़े हैं, इसकी अभी हमें महत्व नहीं है। इसीलिए आंखें नहीं बरसती हैं। जिस दिन हमको मालूम पड़ जाए, मालूम तो है, मालूम के लिए ज्ञान जरूर है हमें, लेकिन विज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है हमको कि हमको ये जरूरत क्यों है। ध्यान रख लेना, महाराज जी के फिलॉसफी के दो सेंटेंस मुझे अभी भी याद है। हमेशा महाराज जी ये बोला करते थे कि भक्ति के प्रति अखिल चेष्टा परायण, एक सेंटेंस महाराज जी का, और दूसरा था अखिल भोग त्याग। इस दो ही सेंटेंसों में वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत महाभारत वेदांत सूत्र सब कुछ समाया हुआ है इन गुरु महाराज जी के दो शब्दों में, दो लाइन सेंटेंस में। पहला है अखिल चेष्टा परायण, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो वो त्याग अपने आप हो जाएगा। पहले हमको त्याग का फॉलो नहीं करना है, पहले हमको चेष्टा वाला स्टेप महाराज जी का सेंटेंस लेना है। क्या अखिल चेष्टा परायण है? देखो तुम लोग, हम लोग रोज गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म, इसमें आया है प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। पहले नहीं लिखा नरोत्तम ठाकुर ने अविद्या विनाश तम प्रेम भक्ति? ध्यान से सुन लेना इस बात को कि हम किसी भी स्थिति में हैं, हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, हमारा मन संसार में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज जी कहते थे अखिल चेष्टा परायण रहो। अखिल चेष्टा माने क्या? इसको सरल सहज में महाराज जी बतलाते हैं कि मैंने जो तुमको दिया है उससे खूब सावधानी से, जैसे मैंने तुमको नियम बताए उसका पालन करना। कैसे करना? देखो मैं कल भी या पर हाँ कल राधा कुंज में हम बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे, मैंने ब्रज में जन्म लेने के कारण हमारे
हमारे घर में सब साधु दादाजी माने पिताजी के चाचा अनमैरिड ब्रह्मचारी थे, 22 घंटे भजन करते थे। मैंने अपने गोस्वामियों के वर्गों में सुना, देखा नहीं, मैंने अपने घर में देखा। मैंने अपने दादाजी को कुछ नहीं पाते थे, अन्न तो उन्होंने जीवन में शायद पाया नहीं पाया, केवल एक गिलास दूध सुबह एक गिलास दूध शाम को पीते थे, बस भजन करते थे। मैं ये बतलाना चाह रही हूँ कि हमने कोई ऐसा ब्रज 84 कोस का मठ मंदिर आश्रम साधु संघ कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो हम लोगों से कांटेक्ट ना हो, कनेक्टेड ना हो। लेकिन महाराज जी जैसा व्यक्तित्व मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। भूतो ना भविष्यति नहीं बोलूंगी, क्योंकि भविष्य में तो पता नहीं क्या कौन 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 यही गुरु माँ जी किस रूप में दोबारा हम पर कृपा करने के लिए आएंगे। नहीं बोलूंगी भविष्य की बात, और भूत की बात इसलिए बोलकर अपराध नहीं करूंगी कि अन्य अन्य आचार्यों के चरणों में अपराध हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने 2-4, 10-20 हमारे गौड़िया 100-200, 1000-2000, 1 लाख-2 लाख बस इससे ज्यादा नहीं आप लोग संग मिला होगा। यहाँ करोड़ों साधु संतों से संग हुआ है, और वृंदावन में रहने पर सबका सौभाग्य मिलता है सेवा का, जो भी कुछ होता है। लेकिन महाराज जी जैसा, कैसा महाराज जी का कठिन से कठिन विषय को इतना सरल सहज रूप में अभिव्यक्त कर देते थे, आज महाराज जी का यही वैशिष्ट्य है क्या कि आज उनके फॉलोअर में जितने वक्ता हैं ना, परसों मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम बताने से थोड़ा सा मन खराब होगा। एक सन्यासी के पास, गौड़िया सन्यासी थे, उनके पास जा रहे तो भेंट हो गई हमारी। तो बोले हमको, अरे हमने सुना है तुम्हारे मठ में माताजियां बोल रही हैं। और मेरे को बहुत बहुत खराब लगा, बहुत ज़्यादा खराब लगा। मैंने कहा महाराज हमारे यहाँ माताजी तब भी बोल रही हैं, आपके मठों में तो पिताजी भी नहीं बोलने वाले। आपके यहाँ तो पिता नहीं बोलने वाला है, यहाँ तो माताजी तब भी बोल रही हैं। आप देखिए उस आचार्य का वैशिष्ट्य देखिए कि वो जिस आचार्य की लड़कियां ऐसे बोल सकती है तो उनके पुरुष कैसे बोलेंगे। जरा सा मौसमी जैसा मैं अपराध नहीं मानी उस समय, गरज पड़ी मैं, क्यों झूठ बात को सहज नहीं कर पाएंगे। अभी तक हम लोगों की देहात्म बुद्धि रह गई कि ये स्त्री है ये पुरुष है। अरे ये तो शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है। अरे आप पुरुषों किसकी उपासना करते हो, स्त्रियों की क्या उपासना करते हो, राधा दास पद की क्यों उपासना करते हो, क्यों ब्रजदासी के चक्कर में पड़े हुए हो। शांत एकदम मैं बाहुजी को प्रणाम किया, भाग ली वहां से। कहने का तात्पर्य कि महाराज जी का कैसा वैशिष्ट्य है कि सरल सहज उपाय में, आप ये मत समझो हम यहाँ के वक्ता ही वक्ता हैं। अभी प्रभु जी को देख रही थी, महाराज जी ऐसे सुंदर सुंदर लोग बुला रहे हो, कैसा माइक में कितना अच्छा बोल रहे हैं, ये तो 10 मिनट के बाद घंटी दिखा रहे हैं तो बैठ रहे हैं लोग, नहीं तो कोई भी यहाँ पर एक को भी किसी को भी खड़ा कर दो, माइक दे दो, क्या धुरंधर बोलेगा, छोड़ेगा नहीं वो। ये है महाराज जी की विशेषता, ये है महाराज जी का वैशिष्ट्य। क्या महाराज जी का वैशिष्ट्य था, अभी कोई बता रहा था महाराज जी की नीली नीली आंखें, महाराज जी जिसको एक बार देख लेते थे बस मर गया वो, तो गया फिर नहीं रहेगा वो। मैं एक अपनी अनुभूति बात बतला रही हूँ कि नाम बताऊंगी उनका, जगन्नाथ प्रभु फ्रॉम फिजी, अब तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। उनकी बहन थी लीलामृत है, दीदी हैं। उन्होंने अपनी मित्र से कहा, सहेली से, चल तू इंडिया घुमा लाऊं तुझे, मैं इंडिया घुमा लाऊं। बोला नहीं नहीं मैं इंडिया तो जाऊंगी पर तेरे मठ में नहीं जाऊंगी, तेरे मठ में जादूगिरदी होती है, ये होता होता। अरे बोले कि नहीं तू मुझे जबरदस्ती महाराज जी से इनिशिएशन दिला देगी। बोले मैं प्रॉमिस करती हूँ नहीं दिलाऊंगी, तू चल। तो
जैसे तैसे वो अपनी सहेली को मठ में गोपीनाथ भवन में ले आई। ले आई तो महाराज जी सुबह शरद पूर्णिमा है, मतलब कार्तिक प्रारंभ होगा, शाम को सब महाराज जी से मिल रहे हैं, झूल रहे हैं, आ रहे हैं। वो दूर, बहुत दूर बैठी वो औरत, बहुत दूर, पास में नहीं आई। कोई बात नहीं है, शाम चली गई। अब सुबह महाराज जी का वक्तिता देने का टाइम आया, तो महाराज जी जैसे ही पहुँचे, महाराज जी जैसी गुरु निष्ठा हम पर, वो सब दया करें, कृपा करें कि महाराज जी जैसी गुरु निष्ठा हम लोगों के हृदय में आए। महाराज जी सबसे बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने अज्ञान तिमिर अंधस बस महाराज जी कर नहीं पाते थे। बहुत लोगों ने देखा है, यहाँ पर सुना है, महाराज जी अपने गुरु मंत्र को पूरा नहीं कर पाते थे। ऐसे रोते थे जैसे बच्चा रो रहा, अपने महाराज जी का इतना स्मरण करके रोते थे। जैसे महाराज जी को स्मरण करते देखा, उस लेडीज ने आंख ऐसे रह गई, जैसे गिर जाएगी, अभी बेहोश हो जाएगी। बस महाराज जी की भक्तिता सुनी और इतनी फूट फूट कर रोई, और महाराज जी के चरणों को पकड़ लिया, महाराज जी मुझे बचा लो, मेरे को आप अपना लड़की बना लो। वो मना कर रही है अपनी सहेली से, मना करके आई ऑस्ट्रेलिया से, मैं महाराज जी के ये चक्कर में नहीं पड़ूंगी, माला वाला के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। वो ही लड़की, पता नहीं उसकी सहेली कहाँ है, लीला दीदी कहाँ है, वो पता नहीं, देखा नहीं, वो तो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकी। ये है महाराज जी की भक्तिता का प्रभाव, महिमा है। और महाराज जी की महिमा क्या है? महाराज जी की महिमा है, आप सब लोग बता दोगे कि दीदी झूठ नहीं बोलेगी, सब लोग कहेंगे हाय राम, हम 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अब महाराज जी से भेंट हुई है। अभी अभी पहले कोई बता रहा था, मैंने सुना, कह रहे थे इतनी देर में क्यों मिले, बचपन से क्यों नहीं गुरु माँ जी से मिल पाए, सब मिस करते हैं महाराज जी को कि इतनी देर में क्यों मिले, महाराज जी पहले क्यों नहीं मिले। एक और विशेषता है महाराज जी की, महाराज जी कहते, महाराज जी को सबको अनुभव है, कहते जो प्यार, जो लाड़, जो दुलार महाराज जी मुझे करते हैं और किसी को नहीं करते, हर को अनुभव है, ये पक्का पक्का। क्यों जी, सत्य बात है कि गलत, बिल्कुल कहीं, वो तो कहते जो महाराज जी मुझे प्यार करते ना, हर की स्थिति यही है। अभी अजय प्रभु को बता रहे थे ना कि कैसे हम लोग और हम और हमारी वाइफ कैसे महाराज जी से, जैसे सोच रहे थे हमने आकाश के तारे तोड़ के लिए आए हैं, क्या हमको प्राप्त हो जाता। 20,000 भक्तों को लेकर महाराज जी नवद्वीप की परिक्रमा करते थे, इससे छाले पड़ जाते थे गर्म इतनी धूप में टावर की सड़क पर, विशेषकर नरसिंह पल्ली से जब हमारी परिक्रमा लौट कर आती थी, क्या करते थे महाराज जी इतनी दूर से ही मंद मुस्का दिए, तो सब कुछ थकान तो दूर होती होती, बोले पूरी परिक्रमा का फल एक मिल गया, महाराज जी बस आंख से आंख मुस्कुरा दिए, सब कुछ हो गया उसमें। ये महाराज जी की विशेषता थी। मैं अपना सब परम हमको इसको घंटी को दिखाने के लिए वृंदावन से बुलाए थे। अरे महाराज जी की अखिल चेष्टा तो सुन ले। समझने वाले को तो दिखाना ही बहुत होता है। कहते हैं कि महाराज जी कहते थे अखिल चेष्टा परायण, माने बस दो लाइन में समाप्त करूंगी, उद्दंडता नहीं करूंगी, वैष्णव चरणों में अपराध नहीं करूंगी। अखिल चेष्टा परायण का मतलब क्या है? अखिल चेष्टा का परायण का मतलब है, आह कैसे मेरी बात बीच में ही छूट गई थी कि ब्रज में जन्मे थे तो सब देखे हैं, कहीं भी किसी भी, यहाँ तक कि मैं अपने अन्य अन्य मठों की भी बात कर रही हूँ, गुरु महाराज जी जैसे दीक्षा देना, हमारे आत्मा के स्वरूप को देखना, आत्मा के स्वरूप से ठाकुर जी से संबंध जोड़ देना, महाराज जी के अतिरिक्त कहीं नहीं देखने को मिला, कहीं भी नहीं।
सातों दीवालों में केवल गोपाल मंत्र से दीक्षा दे दी जाती है, कान फूंक दिया जाता है। गुरु महाराज जी का है दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा। दिव्य ज्ञान माने क्या महाराज जी? हमारे आत्मा के स्वरूप को देखकर भगवान से हमारा जो संबंध जोड़ देते हैं, इसी संबंध में प्रतिष्ठित होकर यदि हम भजन करें, यही अखिल चेष्टा परायण होगा। क्या अखिल चेष्टा परायण? इस समय 12 बजने को जा रहे हैं, एक साधक अपने घर में बैठा हुआ है, मंत्र माला कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन का काम है चिंतन करना। यदि तुमने भगवत चिंतन नहीं किया तो संसार का चिंतन करेगा, वो तो उसका काम है चिंतन करने का। इसलिए मेरे गुरु बहन भाइयों, आप लोगों से प्रार्थना है कि क्या करो, मन को संसार के चिंतन में ना करके, यही अखिल चेष्टा परायण है। क्या अखिल चेष्टा परायण है? बस इस समय वृषभानु नंदनी राधा कुंड में मध्यान्ह लीला में अपने प्यारे के संग में नौका विहार कर रही है। समस्त सखियां मंजरियां उनके चारों इर्द गिर्द में कोई खिला रही है, कोई गान कर रही है, कोई बजा रही है, कोई सामग्री ठाकुर जी की सेवा की सामग्री लिए खड़ी हुई है। और भक्त क्या कर रहा है? अपने को भी गुरु महाराज जी के प्रदत्त संबंध अनुसार मंजरी रूप में खड़े होकर उन पिया पीतम को देख रहा है, इनको क्या चीज की जरूरत है। ऐसी बड़ी उत्कंठा दृष्टि से घर में क्या कर रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है स्वरूप सिद्धा भक्ति कह लो, या महाराज जी के भाव में अखिल चेष्टा परायण। ये है अखिल चेष्टा परायण होके हम लोग अपने स्वरूप के प्रतिष्ठित होकर यदि भजन करते हैं। नहीं हो रहा है तो करिएगा, अगर ऐसा भजन होता है तो निश्चित रूप में इसी जन्म में आपकी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। वंशा कल्पतरु भक्ष्य कृपा। हरे कृष्णा। आप लोगों ने सुना जब गुरुदेव की बहुत इच्छा थी जनकपुर जाना, गए थे, जाके हम लोगों को सुना रहे थे। तो इधर का नियम मैं नहीं जानता, शादी के उपरांत पासवर जागरना पर वधु रहेंगी और जो बहू है उनकी सहेलियां आएंगी या उनकी बहनें, वो जीजाई से बहुत मस्करी करती है, उनको उल्टा सीधा बोलती है। तो गुरु जी बता रहे, देखो ये बासर घर है, दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो सीता जी की सहेलियां आ गई, बोली जनक महाराज का धिक्कार है, इस घर पे दामाद नहीं मिला, ये तो क्यों सीता जी पे इधर दे दिया? तो दूसरी सहेली पे क्यों, क्या हो गया? बोला अरे इन लोगों जिसको तो कोई सब किसी को मर्दानी तो है नहीं, तो बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते, सीता तो बांझ रही जाएगी। तीसरी सहेली क्यों, बोले अरे उन लोगों को खीर खाने पर बच्चा होता है, क्योंकि महाराज दशरथ पुत्र से यज्ञ करने पर अग्निदेव चोरू लेके खीर लेके दिया था, उसी से राम भरत लक्ष्मण संपूर्ण हो गया, लक्ष्मण का रहा नहीं ताव आ गया। बोला हाँ हाँ, हमारे अयोध्या में तो खीर खाने पर बच्चा पैदा होता है, और तुम लोगों खीर खाने से तो खेत जोतना पड़ता है, खेत पर बच्चा पैदा होता है। तो सीता देवी खेत से निकली थी, ऐसे सीता जी बोल रही है ना। कोई बोला आपके मठ में माता जी बोलती है? हमारे मठ में माता जी तो बोलते, आपके मठ में पिताजी भी नहीं बोल पाते हैं, है तो नारायण मां जी बेटी का ऐसा उत्तर देंगी ही। अब मैं पूजा विनोद प्रभु की पत्नी पूजा आके 5 मिनट पुष्पांजलि प्रदान करे, इसके बाद रजत 5 मिनट पुष्पांजलि प्रदान करेगा। आ जाओ फटाफट। रजत है इधर, रजत अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे श्री पाद पद्म शिवामन्नारायण त्रिविक्रम येषां कृपा प्रसादहि वज प्रति प्रकाशति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं पतिदेव जो कथा करते हैं वही कह रहे हैं, मैं कांप रहा हूँ, तो मैं तो और ज्यादा हालत खराब है यहाँ पे आके। तो सब गुरुवर्गों से यही प्रार्थना है कि कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग की नहीं है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराधितम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुदेव से मतलब सबसे पहले मैं 2006 में यहाँ मठ में आई और गुरुदेव के दर्शन करके और जो मेरे पद प्रदर्शक गुरु हैं मेरे पतिदेव और हेमंत प्रभु और सुरेखा दीदी, इन लोगों ने मुझे मतलब गुरुदेव के 2 साल तक कर्णों से मुझे श्रवण करा के उनकी महिमा का गान कराया और 2008 में मैंने जाके हरिनाम और दीक्षा ली। अब मुझे नहीं पता मेरा हरिनाम कैसे हुआ, मैं तो 2008 की जो व्यास पूजा थी उसमें दर्शन करने आई थी गुरुदेव के, नीचे लाइन में खड़ी थी और मुझे नहीं पता मैं नीचे लाइन से ऊपर गुरुदेव के भजन कुटीर में कैसे पहुंच गई हरि नाम लेने के लिए। अब मुझे उस टाइम का कुछ मतलब पता नहीं है कौन सा फोर्स मुझे वहां पे ले गया था। उसके बाद 2008 में मेरी दीक्षा भी हो गई और गुरुदेव का मैं हमेशा यही कहती थी, अब की बार जो कार्तिक पूर्णिमा गई उसमें मैंने ये सोचा नहीं, मतलब सुबह मैं हरिनाम कर रही थी और मैं रो जा रही थी, मैं कह रही गुरुदेव ये आपके सब लोग ना इतना आपका गुणगान कर रहे हैं, मैं आपकी इतनी नलायक बेटी हूँ, मैंने आपके लिए कभी 2 शब्द भी नहीं बोले। तो अभी 4 दिन पहले ही रामचंद्र प्रभु का फोन आया कि तुम्हें और विनोद दोनों को बोलना है। मैं कहा प्रभु जी, मैंने मन में सोचा, कहा नहीं किसी से, मैं कहा प्रभु जी मैंने तो कभी माइक मतलब मैं सोचती नहीं हूँ, कभी बस सुना ही है आज तक, कभी मैं खड़ी होकर बोली नहीं हूँ, तो पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊंगी। तो परसों रामचंद्र बोले मुझे लगता है तू बहुत अच्छा बोल लेगी। मैं कहा ठीक नहीं, पता नहीं आप आशीर्वाद करना शायद कुछ बोल पाऊँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वप्न देख रही हूँ और ये एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा पता नहीं। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मुझे कुछ बोलने लायक बनाओ ताकि मैं आपकी महिमा का कुछ गान कर पाऊँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः। हरे कृष्णा। आप लोगों ने पूजा दीदी से श्रवण किया, ये स्वप्न हम कब देखते हैं, सोए हुए कि जगे हुए? सोए हुए हैं। जैसे रामायण के बाद पते रामायण के बाद दिया गया गुरु जी, जब हम लोग को रामायण पढ़ा था 1.5 साल, जब सीता देवी की शादी के उपलक्ष्य में प्रभु राम ने हर धनु तोड़ दिया, शिव धनुष आ गया, कौन शब्द सुनकर के परशुराम वो क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे कर लक्ष्मण क्या हो गया, एक पुराना धनुष टूट गया तो इतने क्रोध है, हमें कहें तो कितने धनुष बना के दे देंगे, मूर्ख बालक शिव का धनुआ तू धनुष बना के दिए होता है, हम तो बचपन कितने धनु ही तोड़ डाले, कोई तो कुछ बोला नहीं, अब और बिगड़ गया, मुझे सामने से निकल जा तू, नहीं तो ये कुल्हाड़ी में तेरे खून पिएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो वीर होते हैं बाखान नहीं करते, काम करके दिखाते हैं, हमारे वंश में संतों की सेवा करने सिखाया जाता है, आपके मुनि वेश नहीं होता, मैं एक दिन पिछले वर्ष जब आविर्भाव तिथि पूजा थी उस समय पे मैं यहाँ आगे बैठा हुआ था, तो पूज्य बा शांत महाराज जी ने बोला कि तुम कुछ बोलोगे, मैंने कहा महाराज जी यदि अवसर मिलेगा तो प्रयास कर लूँगा, तो समय तो उस समय में कम था तो नहीं मिल पाया, और
राधानाथ प्रभु जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला था निष्कपट भाव से केवल एक बात कह देना, जो तुम गुरुदेव के लिए अनुभव करते हो ना बस वो बोल देना। अनुभव केवल इतना है, मठ में जब आया 2006-07 की बात है, मैं उस वक्त कृपा कटाक्ष को पढ़ता था, तो उसमें कोई और तो कुछ, कब ऐसा दिन आएगा कि मुझ पे वो कृपा कटाक्ष होगी, वो कृपा होगी मुझ पे, बस वो उसकी प्रतीक्षा रहती थी कि ऐसा कब हो सकता है, क्या ऐसा संभव है। और बाद में केवल इतना हुआ, गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव यहाँ आए, मैंने गुरुदेव का प्रथम बार दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद बस गुरुदेव, अब प्रभु जी बता रहे थे नीली नीली आँखें, वो जादू जो था, गुरुदेव को देखा, मैं गुरुदेव को बस देख रहा था, बैठकर पर दर्शन कर रहा था, और थोड़ी देर बाद मैं गुरुदेव के पास जब दर्शन करने गया, मिलने गया, तो गुरुदेव ने अपना हाथ ना मेरे सिर पर रख लिया ऐसा। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कुछ, जैसे बिजली सी होती है ना, ऐसा कुछ महसूस हुआ। और बाद में सन्यासीगण से जब सुनता गया तो पता चला, एक बार रामचंद्र प्रभु जी के पास में बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, गुरुदेव जो हैं वो साक्षात मंजरी स्वरूप हैं, वो रमण मंजरी हैं श्री जी की लीला में, राधा रानी की निवृत निकुंज में। तब उस समझ में आया उस स्पर्श का मतलब क्या था, वो स्पर्श इतना कि जिसके जिसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते वो क्या था, अब समझ में आया। और इस प्रकार जब सुनता गया, जैसे कहते हैं ना, अब कोई बालक है वो कहता है मेरे पापा पुलिस में हैं, मेरे पापा वकील हैं, बहुत गर्व से बोलता है। तो आज गुरु महाराज जी की कृपा है, कुछ समय यहाँ रहने को अवसर मिलता है, कुछ समय मैं वृंदावन में रहता हूँ, तो वहाँ पे संतों का संग मिलता है, वहाँ के जो वैष्णव हैं उनका संग मिलता है। तो जब वे पूछते हैं आपके गुरु जी कौन हैं, तो जब बड़े बहुत गर्व से बताने का ऐसा लगता है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इस वक्त, जिस वक्त मैं गुरुदेव का नाम लेता हूँ, और वो गुरुदेव का नाम सुनकर ही कहते हैं कि हम तो गुरुदेव के लिए, आपके गुरुजी के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, ये ब्रजवासी बोलते हैं ऐसे वहाँ पे। आज सुबह मेरे मन में बस एक दो पंक्ति, मैं गुरुदेव का सुबह जब दर्शन कर रहा था तो दो पंक्ति मेरे मन में गुरुदेव ने प्रेरणा देकर लिखवाई, भजत बधाई आज मेरे गुरुवर के द्वार, प्रकट भये मेरे संत शिरोमणि भक्तन के रिजवार, राधा दास्य भाव लुटावत करत भक्ति विस्तार, और ऐसे मेरे श्री गुरुदेव के चरणों में रमण दास बलिहार। और एक बात और कहूँगा, गुरुदेव की कृपा, जो गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव गोलोक से ठाकुर जी की लीला से हम सब पर कृपा करने के लिए पधारे, हम पतितों पे कृपा करने के लिए पधारे, तो कहते हैं कि जो वहाँ है वो उसी का प्रतिबिंब, कल सिद्धांति महाराज जी बता रहे थे जो उत्सव वहाँ होते हैं उसी उत्सव को यहाँ उतार दिया। और ये देखो, ये रमण बिहारी गौड़िया मठ का जो प्रांगण हम लोगों को दिया ना, कभी कभी तो मेरे मन में ऐसी इच्छा आती है महाराज जी श्री राधा रमण बिहारी गौड़िया मठ के आगे मैं तो कहता हूँ श्री धाम भी लग जाए तो वो भी कम नहीं है। जय जय श्री राधे मांछा गलपतरु महेश कृपा सिद्ध जय छा परिधाम पाप हरे कृष्ण। गुरु जी एक बात कहते थे, बाप का बेटा लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप है ऐसे बेटा जैसे गुण होना चाहिए, जैसे लाइक गुरु लाइक डिसाइपल, जैसे गुरु गुरु का गुण शिष्य में होना चाहिए। लद्दाख लेखा दीदी को गुरु जी कहते थे तुझ सविता का शिक्षा शिष्य सुनता है शिक्षा गुरु है, तो मैं राघव बुलाता हूँ जैसे सविता दीदी गरज गरज करके बोली ऐसे बोलेंगी तो तुम्हारा शिक्षा गुरु का नाम बढ़ेगा नहीं तो घटेगा तुम्हारे हाथ में। लद्दाख लेखा दीदी आ जाइए जगत प्रिय करो करुणावतारो, राधे वृंदावनाधीशे करुणामित वाहिनी, कृपया निष्पादाब्ज दास्यम मह्यं प्रदीयताम्। नमो नलिनेत्राय वेणुवाद विनोदिनी राधाधर सुधा पांचालिनी वनमालिनी।
भक्तविहीना अपराध लक्ष्य कृपा वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिष्य भक्ति विदान श्री विक्रम गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उपस्थित समस्त नंदीपाद गण, समस्त वैष्णवगण, गुरुनिष्ठ गुरु सेवी, समस्त भक्तों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में नव योगेंद्र संवाद है, उसमें कवि जी बोल रहे हैं राजा निमि को, ज्ञान दे रहे हैं, भयं द्वितीय विनिवेश स्यात् ईश अपेतस्य विप्रय अस्मृति तन मायाया तो बुद्धम आभजेतम भक्ति एक ईशम गुरुदेवतात्मा। बहुत सुंदर श्लोक है। तो उसमें बता रहे हैं कि राजा कवि जी बता रहे हैं राजा निमि को कि देखो इस संसार में जो जीव है वो जीव उत्पन्न कहाँ से हुआ, तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुआ और उसके अंदर शक्ति है कि वो चित जगत को भी देख सके और माया जगत को भी की ओर देख के माया जगत के ग्लिटर एंड ग्लैमर से अट्रैक्ट हो गया। माया देवी ने उसको झपट्टा मार के उस पे दो अपने कवरिंग्स दे दिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर देकर उसने उसको तीन रस्सियों से जकड़ के बांध दिया, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, और ये सब बांधकर उसने उस संसार में उसको फेंक दिया। संसार में फेंकने से जीव जो है वो उसका जो परिचय था मैं नित्य कृष्ण दास हूँ, और वो अब संसार में आने से माया के कवल में आने से वो भूल गया अपना नित्य परिचय और एक उसको नया परिचय उसने धारण कर लिया शरीर का, स्थूल शरीर का। वो अपने आप को अपने शरीर से, अपने मित्रों से, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने पुत्रों पुत्री से, अपने उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा। वो सोचने लगा मैं ये हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हूँ, मैं विश्व सुंदरी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बिल गेट्स हूँ, मैं इस तरह से अपना परिचय सोचने लगा। अब जब माया के इतना स्ट्रॉन्ग ये ऑरा था उसके ऊपर, तो अब क्या हुआ कि वो इससे बाहर नहीं निकल सकता, उसकी शक्ति नहीं है। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, इंद्रिय तर्पण में लगा हुआ है और संसार रूपी दलदल में नीचे नीचे गहरा गहरा धसता जा रहा है। जब ये धस रहा था तो तभी अकस्मात कोई, अब उसको इस संसार में केवल वो जड़िए आनंद में है, उस जड़िए आनंद का अनुभव कर रहा है। कोई शादी में जाएगा सोचेगा मैंने नया नया कपड़ा पहन लिया अब तो बहुत आनंद आ रहा है। कोई बर्थडे पार्टी करेगा, कोई एनिवर्सरी पार्टी करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा सोचेगा बहुत आनंद आ रहा है, किंतु ये क्षण भंगुर आनंद है। फिर उससे और एक ऊपर का आनंद है स्वर्गानंद, जहाँ पे नंदन कानन वन है, सुरापान करते हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वो भी टेम्परेरी आनंद है। फिर और उससे ऊपर का आनंद है वो है ब्रह्मानंद। तो अहम ब्रह्मास्मि उस आनंद में वो डूबा रहना चाहता है, किंतु ये वाला आनंद जो है शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो आनंद है वो जो उसको वो भयभीत उसकी अवस्था है संसार में, उस भय को दूर करने में समर्थ नहीं है। ये वाला जो अहम ब्रह्मास्मि, ये वाला जो ज्ञान वाला आनंद है, ये भी उस भयभीत अवस्था द्वितीय अभिनिवेश को दूर करने में समर्थ नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, और जो वो निष्काम कर्म भी कर रहा है, यदि कर्म कर्मफल या निष्काम कर्म कर रहा है, वो भी उस अवस्था को, उसकी जो भयभीत अवस्था है, वो जो दलदल में पड़ा है
उस अवस्था को निकालने में समर्थ नहीं है। कीचड़ से क्या कीचड़ को धोया जा सकता है? अगर हम गिर गए कीचड़ में तो क्या कीचड़ और कीचड़ डालेंगे तो अपने आप को धो पाएंगे? गुरु महाराज कहते थे कि अगर हाथी अगर कीचड़ में दलदल में फंस जाए तो खूब छटपट आएगा, लेकिन वो और गहरा धंसता जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो अब वो क्या करे वो जीव, वो अपनी इस अवस्था को दूर नहीं कर सकता है। भय, द्वितीय अभिनिवेश, ये दोनों अवस्थाओं में वो पड़ा हुआ है अनादिकाल से। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, वो बार बार गधे के गर्भ से चिड़िया के गर्भ में स्थलचर नभचर और जलचर इन सब योनियों में जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है। तब अकस्मात ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता जीव। और ये जो है, ये जो माया में पड़ा हुआ है, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरथ्या मामे ये प्रपदंते माया मेतम तरंती ते, ये वाली दशा से केवल भगवान ने कहा गीता में, हे अर्जुन इस माया से निकलना असंभव है, किंतु यदि कोई मेरी शरण में आ जाए तो निश्चित रूप से माया से पार हो सकता है। तो अब इस जीव का भगवान से संपर्क कैसे हो? वो तो इतना दलदल में पड़ा है, तो उसका वो भगवान जो गोलोक निवासी है उनसे कैसे संपर्क होगा? तो उसके लिए एक वाया मीडिया भगवान ने बनाया। एक जैसे हम लोग एक कोई गैजेट खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन टीवी या कुछ भी, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जो उसको सारा ऑपरेशन और सब कुछ बताता है, लेकिन हम फिर भी उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। तो एक कोई मैकेनिक को बुलाते हैं कि इसको पढ़कर तुम इसको इंस्टॉल कर दो, इसको हमको फंक्शन करना बता दो। तो ऐसे ही भगवान ने क्या किया कि एक तो उन्होंने कोई प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु भेजे और एक उन्होंने एक मैनुअल दिया, तो वो है शास्त्र, वेद पुराण रामायण महाभारत श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, ये सब मैनुअल्स हैं। तो इन मैनुअल्स को डीकोड कैसे किया, कैसे कौन पढ़ना जानता है? अगर मान लो जापनीज गैजेट खरीदा तो उसका वो जापनीज लैंग्वेज में आ गया, चाइनीज खरीदा तो चाइनीज लैंग्वेज में आ गया, कैसे पढ़ेंगे उसको? तो एक कोई व्यक्ति चाहिए जो विज्ञ हो और उसको बता सके। तो इसलिए भगवान ने अरेंज किया एक ऐसा प्रमाणिक गुरु जो आकर हमको उस लैंग्वेज को डीकोड कर दे और बता दे कि तुम्हें ये करना है। शास्त्र मतलब शासन, तो ये शासन तुम्हें ऐसे ऐसे चलना है मनुष्य जीवन लेकर, तुमको ये करना है, क्या क्या नियमों का पालन करना है, डूज एंड डोंट्स, तो ये सारी वो बातें हमें बता दे। तो अब वो जो गुरु है प्रमाणिक, क्योंकि वो जीव है वो आनंद की वो सर्वोच्च अवस्था जो परमानंद है उस अवस्था के लिए वो जानता नहीं है, वो केवल इसी जगत के आनंद में डूबा हुआ है। तो अब उस सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करा, एक कोई ऐसे सदगुरु से टकरा गया, कोई ऐसे अकस्मात, वो भी भगवान की व्यवस्था है, कोई ऐसे गुरु से टकरा गया जो उसको बताएंगे देखो तुम क्या करो संसार में, अन्य अन्य और वांछाएं मत करो, इच्छाएं मत करो, और तुम भगवान को जो रुचिकर हो, जो प्रीतिकर हो, जैसे माँ है अपने बच्चे को वही खिलाती है जो उसको रुचिकर हो, बच्चा वो पौष्टिक भी खिलाती है किंतु फिर भी सोचती है जो मेरे बच्चे को चलो पास्ता पसंद है या पिज्ज़ा पसंद है उसको वो दे देगी। तो ऐसे ही भगवान को जो प्रिय है, जो रुचिकर है, वो वाली वस्तु तुम करो, अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलनम, तो वो वाली वस्तु करने से तुमको प्राप्त हो जाएगा। और क्या कहा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो वाली जो भक्ति है ज्ञान और कर्म से ढकी भी नहीं हो, क्योंकि ज्ञान और कर्म समर्थ नहीं है वो जो शुद्ध भक्ति है उसको देने के लिए। अब हम लोग इस संसार में हम लोग चाहते हैं ना शुद्ध वस्तु मिले, सोना खरीदेंगे तो 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, कोई हम पानी पीते हैं तो गटर का पानी कोई पीना चाहता है, सब सोचते हैं हम लोग आरओ वाटर पिए, कोई कपड़ा खरीदते हैं तो प्योर कॉटन कपड़ा चाहिए, थ्रेड सब पूरा कॉटन का होना चाहिए,
फिर कोई अगर हम दूध पीते हैं तो प्योर गैया का दूध होना चाहिए, कोई मिलावट ना हो, पानी ना मिला हो, गंदी वस्तु ना मिली हुई हो, प्योर चाहिए। ये तो हमारे शरीर की अवस्था है, तो आत्मा को भी ऐसे प्योर एकदम शुद्ध भक्ति चाहिए। जब शरीर ही इतना शुद्ध खाना चाहता है तो आत्मा को बहुत शुद्ध वस्तु चाहिए। तो वो जो गुरु है सदगुरु आकर उस शुद्ध भक्ति को प्रदान करते हैं, और वो अपने सारे वाणी के माध्यम से, अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपने अन्य अन्य कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से, और सब प्रकार से वो उस जीव को उस संसार की अवस्था से, उस दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, और अपने मंत्रों के माध्यम से उनको मंत्र प्रदान करेंगे और हरि नाम आदि ये सब देकर उसको उत्थान करना चाहते हैं कि हे जीव तुम इसमें से बाहर निकलो। तो वो क्या करते हैं सदगुरु की वो ले जाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण की भक्ति से ऊपर ले जाएंगे, बैकुंठ से ऊपर, फिर रुक्मणी द्वारकाधीश, और सीताराम जी के अयोध्या से रुक्मणी द्वारकाधीश के द्वारका से, और सीधा उसको गोलोक वृंदावन में ले जाते हैं। तो इतनी सर्वोच्च फ्लाइट में ले जा रहे हैं वो, एकदम जो डायरेक्ट उड़ान हो रही है, नो स्टॉप ओवर। फ्लाइट लेते हैं ना अगर रास्ते में कोई स्टॉप ओवर होता है, विदेश जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी स्टॉप नहीं है, कहीं और नहीं देखना, सीधा उसको फ्लाइट को ले जाएंगे। तो अब जब ऐसी अवस्था है तो इसलिए गुरु महाराज हमें ऐसे मिले कि हमें नहीं पता कि वो कैसे कैसे वो अकस्मात भगवान के अरेंजमेंट से ऐसा हुआ। तो गुरु महाराज ने आकर हमको सर्वोच्च संबंध दिया। एक साधारण संबंध है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव कृष्ण का दास है और उसको वो भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुआ है, और उसको भगवान की सेवा करनी है। जैसे उंगली है वो इस हाथ की सेवा करती है, या हाथ है वो शरीर की सेवा करता है। तो ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जो जीव है वो चेतन है और उसको भगवान की सेवा करनी है, ये एक साधारण संबंध है। किंतु गुरु महाराज ने कहा नहीं, हमारा एक स्पेशल संबंध है। मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम वृंदावनेश्वरी मम नाथत्वे। श्री ललिता की जो ललिता विशाखा है वो अत्यंत अत्यंत प्रिय सखी हैं, और जो गिरिंद्रो जो गिरिराज गोवर्धन है और राधा कुंड है वो इनके बड़े ललिता, कि हमको राधा जी की सेविका बनना है और तब जुगल की सेवा करना है। राधा जी की सेविका नहीं है, उनका जो पक्ष होगा राधा जी का होगा। तो इस तरह से संबंध दिया। फिर उन्होंने अभिधेय दिया कि तुमको शुद्ध भक्ति के द्वारा ये प्राप्त हो सकता है, ज्ञान कर्म आदि मार्गों में लग के नहीं हो सकता। तो शुद्ध भक्ति प्रदान किया। फिर उसके बाद उन्होंने श्रेष्ठ प्रयोजन दिया कि तुम्हारा जो प्रयोजन है वो है राधा दास्यम। तो कैसे करना, वेणु करारी पतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चप्रीत वसनम ब्रजराज सुनो, अभी अभी किसी प्रभु जी ने बोला। तो उन्होंने बताया कि देखो राधा जी कैसी हैं, कि वो जब कटाक्ष से देखती हैं तो श्री कृष्ण तो बस उनका मोर पंख गिर जाता है, उनका पीतांबर गिर जाता है, उनकी वेणु गिर जाती है, और वह स्वयं विमूर्छित हो जाते हैं। तो ऐसी श्रीमती राधिका है। तो तब उन्होंने सर्वोच्च उस अवस्था को बताया। तो इसलिए जो ऐसे गुरु महाराज इस जगत में आए और उन्होंने इस चीज़ का मुक्त हस्त से वितरण किया, कि जैसे महाप्रभु थे ना, महाप्रभु ने जब माली बन के एक प्रेम फल का रोपण किया, उसके वो अंकुर भी हैं, उसका तना भी है, और जब फल आए तो उन्होंने उसको आग बंद करके सारे जगत के जीवों पे लुटा दिया। तो उन्होंने कहा मैं अकेले करूँगा तो मैं तो नहीं दे पाऊँगा, किसको दूंगा किसको नहीं दूंगा, और बड़ा परिश्रम है ये। तो उन्होंने अपने सारे परिकरों को बुलाया, रूप सनातन आदि भक्तगण और जितने पंच तत्व नित्यानंद अद्वैताचार्य सबको बुलाया, और वो लोग भी सब मिलके उस कार्यक्रम को करने लगे, प्रेम फल को तोड़ते जाने भी आग के माध्यम से सारे जगत में उस प्रेम को वितरण किया। गुरु महाराज को क्या जरूरत थी कि वृंदावन छोड़ के, मथुरा छोड़ के, ब्रजमंडल को छोड़ के और पूरे विश्व में भ्रमण करते रहे, सारे जीवों की इस अवस्था दुर्दशा को दूर करते रहे।
किंतु उनके हृदय में वो करुणा का भाव है। तो इसलिए ऐसे जो सदगुरु मिले जो हमारे को संसार दशा से निकाल कर वो एक सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा सके, तो ये एक सुदुर्लभ वो है। अब एक मधुर एक स्मृति है, तो मैं तो देख रही हूँ कि जो भी भक्त आ रहे हैं वो एक तो रामचंद्र प्रभु और एक माधव महाराज तो साक्षी ही है, वो तो परमात्मा के जैसे हर लीला को साक्षी दोनों ने देखा है, गुरु महाराज की सब लीलाओं को। रामचंद्र प्रभु ऐसे हैं जैसे सूत्र हो मणियों में, तो वो हर एक मोस्टली सब भक्तों के लाइफ में आए और उन्होंने सबको पथ प्रदर्शन किया। तो और अन्य अन्य सब त्रिदंडी पादगण तो गुरु महाराज की विभूतियाँ हैं, जैसे हम लोग 10 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनते हैं, तो ऐसे अलग अलग गुरु महाराज के हीरा मोती पन्ना और रूबी और क्या क्या वो सब हैं। तो वो लोग जाके जगत में उसका प्रचार कर करके और अपना सारा प्रकाश जगत में वही चीज़ को वितरण कर रहे हैं जो गुरु महाराज देने आए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरी धारा ना रुके, मेरा पब्लिकेशन प्रिंटिंग और पब्लिकेशन परिक्रमा और प्रीचिंग चलता रहे, 3 P's, तो ये तीनों चलते रहे, उसी को वो लोग सब लोग अभी सार्थक कर रहे हैं। तो एक बार नोएडा में मिखाल से राधानाथ प्रभु या किसने अरेंज किया था कोई एक हरि कथा का, तो वहाँ पे मैं गई गुरु महाराज से मिलने, तो उन्होंने जैसे कई लोग खड़े हुए थे लाइन में ऐसे, तो मैं ऐसे 3-4 लोगों के बाद खड़ी थी, तो अचानक गुरु महाराज आए और पूज्य पाद माधव महाराज जी आए। तो माधव ये लोग गुरु महाराज चाहते थे कि मैं बीच में से चलूं भीड़ के, और पूज्य पाद माधव महाराज जी कह रहे थे नहीं साइड से चलना है, आपको इन्फेक्शन हो गया और आप नहीं चल सकते। तो जाते हुए तो गुरु महाराज साइड से चले गए, लेकिन आते हुए वो बीच में से आ गए फिर से, सब भक्त इधर उधर है। तो अब गुरु महाराज ने मेरे को देखा, मैं 3-4 लोगों के बाद थी, तो उन्होंने मुझे देखा और झट से मेरी तरफ आए और बोले कि मेरे ना सिर में कुछ फुंसी हो गई हैं, मतलब काफ़ी सारी, और तुम उसको देखो। तो क्योंकि वो मुझे प्राय बोलते थे कि तू मेरी होम डॉक्टर है, याद है हमारा, तो इसलिए बोले तुम उसको देखो। तो मैंने कहा महाराज जी कहाँ मिलना है, तो बोले कि कल, आज तो मैं नोएडा यहाँ पे हूँ, कल सुबह सुबह मैं बुद्धि राजा जी के घर चला जाऊँगा, तो तुम वहीं आना। तो मैंने मतलब वहाँ पे गई सवेरे सवेरे, वो मॉर्निंग वॉक की जगह वो वहाँ पे पहुँच गए। तो मैंने सोचा गुरु जी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैं उनके किचन में गई और एक उपमा के उत्तपम के लिए तैयारी किया, थोड़ा सूजी घोल के दही दे के और सारा सब्जी वब्जी कटिंग करके रख दिया और एक उसके लिए घोल बना दिया। तो मैंने सोचा अभी गुरुजी आएंगे तो सब, गुरुजी आए संकीर्तन वगैरह हुआ, तो मैं उनके दर्शन के लिए नीचे गई। तो गुरुजी ने अपना वो सिर में दिखाया कि देखो मेरे इधर इधर कितना सारा फुंसी हो गया है। तो मैं उसको छूने से संकोच करने लगी, गुरु ने कहा छू के देखो, तो छू के देखा तो काफ़ी सारे थे। तो मैंने सोचा शायद ये हीट से हुआ है, प्रिकली हीट जैसे हुआ है, थोड़ा बड़ा बड़ा था। तो फिर गुरुजी बोले इसका दवाई लेकर आना, मैंने कहा अच्छा। तो हम लोग घर चले गए, फिर शाम को फिर से आए, गुरुजी के प्रवचन था। तो अभी क्या हुआ कि महाराज जी आप अपनी कथा तो सुन लीजिए। तो अभी क्या हुआ, महाराज जी ने ऊपर गए तो रसोई में, हम लोग तो नीचे बातें कर रहे हैं, गुरु जी दिखा रहे हैं अपना सब, तो महाराज जी तो ऊपर रसोई में गए, देखा गुरु जी के लिए क्या कलेवा की व्यवस्था है, देखा ये गुलाब है ये सब्जी कटी हुई है, तो उन्होंने तुरंत उत्पम वगैरह बना के उसको ढक के और गुरु जी के लिए ले गए। थोड़ी देर में मैं ऊपर आई तो देखो उत्पम अब तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो फिर उसके बाद गुरुजी, फिर मैं घर आई तो फिर मैंने थोड़ा सोचा क्या करना चाहिए, गुरुजी का कैसे ठीक करना है। तो देखा कि नीम के पत्तों को सुखाया, तोड़ा पहले सुखाया, फिर उसका पाउडर किया, फिर एक कोई लिंसिड ऑयल, कौन सा पता नहीं, एक ऑयल था उसको लिया,
फिर ये दोनों चीजें लेके मैं शाम को वहाँ पे गई। तो पूज्यपाद माधव महाराज जी ने मतलब गुरु जी उसे नेक्स्ट डे कहीं विदेश जा रहे थे या पता नहीं कहीं इंडिया में जा रहे थे, तो उनको दे दिया कि आप इसको दोनों को घोल के और गुरु जी के लगा दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। तो पूज्यपाद माधव महाराज ने एक दिन लगाया और उसके बाद बोला गुरु जी को बहुत गंध आती है, ये तेल बड़ा गंध वाला है, नहीं लगाएंगे वो। तो फिर वो बस फिर वो छोड़ दिया। तो लेकिन ऐसे होता था गुरु जी, जैसे ही हम गुरु जी के पास जाते थे गुरु जी बोलते थे तूने मेरे लिए क्या रसोई बना के लाई है। तो मुझे बात माधव महाराज विजय प्रभु ये लोग बोलते थे तुम लोग क्यों रसोई बना के लाते हो, तुम तो 3 बजे चलते हो घर से और हम तो 7 बजे रसोई बनाते, तो इतना लंबा पुराना बासी क्यों देना है। तो लेकिन क्या करें, गुरु जी जाते ही बोलते थे क्या रसोई बना के लाए हो, कुछ नहीं ले जाओ तो बड़ा मुश्किल। बस एक और लास्ट एक और लीला बोलूंगी आपकी लीला। तो एक बार बुद्धि राजा एक बार बुद्धि राजा दीदी के घर में गुरु जी आए, तो उन्होंने मेरे को बोला गुरुजी ने कि मेरे लिए ना लौकी को छोटा छोटा मनिया करके और सब्जी बना के लाना। तो मैं ले जाती थी प्राय, तो उसमें बस नमक हल्दी और थोड़ा सा हल्का सा एक शक्कर का वो डालती थी। तो गुरु महाराज ने बोला वो लौकी मेरे लिए बना के लाना, तो मैं लौकी बना के ले गई। तो मैं शायद पूनम दीदी के था, शायद मेरे को याद नहीं है, या बुद्धि राजा दीदी के था, तो अब हम ने पूनम दीदी के था। तो फिर वो जब वो लेकर गए तो गुरु महाराज प्रसाद पा रहे हैं, मैं भी अंदर थी, माधव महाराज जी थे। तो गुरु जी कहने लगे कि लौकी में गुरु जी ने थोड़ा टेस्ट किया, बोलने लगे लौकी में क्या डाला है। तो मैंने बोला नमक हल्दी और चीनी थोड़ा सा। तो मुझे बाद माधव महाराज जी कहते हैं चीनी क्यों डाला, गुरु जी को तो डायबिटीज़ है और हमारा कोई और ब्रह्मचारी होता तो सब अच्छे से बनाते, तुम लोग क्या बना के ले आते हो। तो मैं तो कुछ बोली नहीं, चुपचाप आ गई। फिर अगले दिन क्या हुआ कि किसी कारणवश सुबह नहीं गए, क्योंकि गुरु महाराज अस्वस्थ थे तो हम सुबह भी जाते थे और शाम को भी जाते थे। तो अगले दिन सुबह नहीं गई, तो गुरु महाराज ने सोचा कि बस ये तो बस गए, अब नहीं आएगी ये। तो गुरु महाराज फिर हम शाम को गए, तो गुरु महाराज ने पूनम दीदी को बोला उसको फोन करो और बोलो कि आज क्यों नहीं आए सुबह। तो फिर शाम को गए, तो गुरु महाराज जाते ही ओपनिंग सेंटेंस गुरु महाराज कहते हैं देखो जब माधव महाराज की माँ थी ना, जब वो पैदा होने वाले थे तो उन्होंने ना बहुत करेला खाया, नीम खाया, बहुत सारी चीजें खाई, इसलिए इतना कड़वा बोलते हैं। मतलब गुरु महाराज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बोल दिया तो क्या हुआ, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन गुरु महाराज अपनी तरफ से सोचते थे कि ये तो बस अब नहीं आएंगे मेरे पास, ये तो गए, अब इनको ऐसे बोल दिया है ये कभी नहीं आएंगे मेरे पास। तो फिर उसके बाद बस फिर गुरु जी के लिए हमेशा, गुरु महाराज को विशेषकर प्रिय था सूप, कोई भी सब्जी का सूप, वेजिटेबल लौकी या कुछ भी डाल के ले जाते थे, तो जाते ही उसको तुरंत ले लेते थे। और चटनी सबसे ज़्यादा सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी उसको ले जाते थे, तो गुरु महाराज चावल के साथ जरूर लेते थे। तो और भी बहुत सारी लीलाएँ हैं लेकिन मैं और समय नहीं लेना चाहती। तो सुबह सुबह बस एक बताती हूँ कि रात में हम लोग 10-11 बजे शालीमार बाग से आते थे कि गुरु महाराज के दर्शन करके, और सुबह सुबह 5 बजे गुरु महाराज मोदी फ्लाईओवर के नीचे आते थे, तो हम लोग सुबह सुबह उठ के चटनी पीसना शुरू कर देते सिलबट्टे पे, सारे घर में आवाज हो जाती थी। तो वो लोग कहते थे रात में तो तुम दर्शन करके आए, सुबह सुबह फिर दर्शन करने जाने, और सारे घर में शोर मचा के। तो लेकिन वो चटनी लेकर जाते थे। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं लेकिन वांछा कल्प दुर्वश्यक पास मिले कभी काला पाप मिले वैष्णवे। हरे कृष्णा, आप लोगों ने राग लेखा सुना, वे भी और नूतन दीदी, वेरी वेरी
वो लोग सब आके सत्ताईस बार मिलते हैं, हम लोग टिफिन दे देते हैं, हम लोग को बनाते ले जाना नहीं पड़ते, मथुरा जाते। ये तो बहुत सारा लीला जानती है सब, मेरे लिए तो कुछ रखना पड़ेगा ना, जब मैं मरूंगा तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, सब बाकी छोड़ दी। अब मैं श्री श्रीधर भाई से अनुरोध करता हूँ गुरुदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री श्रीधर महाराज। एक मिनट एक मिनट, हरि हरि ओम ज्ञान जन श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभीों को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो गुरु जी की जन्म सप्ताब्दि को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर गुरु जी के चरण में पुष्पांजलि देने के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारी दान सिखाई शरणागति भक्त तेरा प्राण। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना धाम और परिकरों को लेकर के आए हैं, कहते उसी तरह कहते श्रीमान हमारे श्री महाराज भी वो अकेले नहीं आए, ये पूरा की पूरा अपना परिकरों को भी इस जगत में लेकर के आए। देखो महाराज की जैसे महाप्रभु किसी जैसे रूप गोस्वामी को द्वारा जगत में रस को स्थापना करते हैं, जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धांत को स्थापन करते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा उन्होंने अपना प्रयोजन तत्व को स्थापन करते हैं, श्री हरिदास ठाकुर को द्वारा कति जगत में नाम को स्थापन करते हैं, उसी तरह देखो हमारे गुरुपाद पद्म भी ठीक वैसे आप देखोगे। जैसे महाप्रभु का भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम लोक सब सुखी है या गाय वे कीर्ति। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण विश्व में मेरे नाम मेरे महिमा गुणगान संपूर्ण विश्व में जाएगा। इसलिए हम भी देखते हैं हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज वो अकेले नहीं आए, इनकी शिष्यों के अंदर में भी ठीक ऐसे ही दिखाई पड़ता है। रस दृष्टि से देखो सिद्धांत दृष्टि से देखो
तत्व दृष्टि से देखो, प्रयोजन दृष्टि से देखो। गुरु जी का अगर विचार वैशिष्ट को हम विवेचना करते हैं, हमारी गुरु जी के अंदर में सब चीज दिखाई पड़ती है, सब चीज दिखाई पड़ते हैं। जैसे गुरु जी के शिष्यों के अंदर में अगर किसको देखोगे, सिद्धांत में पारदर्शी, देखो हमारे श्री विजय प्रभु है क्या यहाँ पर, विजय प्रभु को देखो, हमारे माधव महाराज को देखो, ये सब के सब सिद्धांत में पारदर्शी है। अगर श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष अगर इसी विषय में देखोगे, हमारे बन महाराज को देख लो, देखो मुस्कुरा रहे हैं बैठ बैठ के मुस्कुरा रहे बन महाराज, इसलिए बन महाराज को देखो। अगर कहीं हरि कथा आश्चर्य चीज है, इन्होंने हरि कथा से इसको फुर्सत नहीं है, सवेरे उठ कर अभी कहाँ पर, अभी वो वृंदावन में थे हमारे माती है बन महाराज, सब लोग बोलते थे सबर आरती के बाद में बैठ जाते थे ऊपर में, उसके बाद में जब कथा होती सबर फिर बैठ जाते थे, फिर उसको बाद में भक्त लोग फिर बैठ जाते थे, फिर शाम को रात को तो 5-6 बार हरि कथा बोलते थे महाराज। इनकी हरि कथा है, इनका जीवन है हरि कथा है। इसलिए जैसे जगत में कहते हैं ना, हमारे गुरुपाद पद में भी ठीक वैसे थे, जैसे गोपियाँ कहती है ना, तब कथा अमृतम तप्तजे बनाम कभी भी रीताम काल मसाप श्रावण मंगलाम श्रीमदा तथा हमारे गुरुपाद पद्म श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष। जैसे महाराज जी अभी माधव महाराज जी बोल रहे थे ना, एक समय डॉक्टर ने बोल दिया गुरुदेव को 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते, और माधव महाराज करताल लेकर बैठ जाते थे अगर 10 मिनट ज्यादा हो गया ना, बस करताल बजाना शुरू कर देते थे, गुरुदेव इतने बिगड़ जाते थे, कहते ये जीवन किस लिए हमें मिला है, हरि कथा के लिए ही जीवन मिला है ना। अगर हरि कथा नहीं बोल करेगा अगर ये जीवन बीते तो वो जीवन का कोई महत्व है। गुरुदेव कहते थे अगर हरि कथा बोलते बोलते अगर ये जीवन चले जाए तो इससे कोई बढ़िया हो सकता है, एक दिन तो मरना ही है। अरे हरि कथा बोलते बोलते जीवन जाए ना, सचमुच से जो गुरुदेव का जो जीवन था श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष। एक बार अगर किसी ने कथा सुन लिया ना गुरु जी से, फिर और किसी की नहीं रह जाते। जैसे ब्रज गोपियाँ कहती हैं, जैसे साधु लोग गोपियाँ कहते खबरदार इस साधुओं को चक्कर में मत पड़ा करो, वो देखने में ऊपर जैसे कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं ना, वो अंदर से चाकू चलाते हैं, ये साधु भी वैसे है। कहते बिना पैसा की बगल में भागवत दबा करके तो बिना पैसा की हम कथा सुनाएंगे। इसलिए गुरुदेव के पास में अगर एक बार कोई कथा सुन लिया तो बस अभी बता रहे थे ना हो गया काम। इसलिए मैं जब बचपन से मंदिर में आया मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी, हरिकथा सीखेंगे। जब गुरुदेव चले गए अभी मैं सोचता था मैं हरिकथा किससे सीखूं। मैंने सुना है मथुरा में एक नारायण गोस्वामी महाराज के जो बड़े सुंदर कथा सुनाते हैं और बच्चों को हरिकथा सिखाते, सचमुच से हमारे जो महाराज है ना उनके अंदर में जो गुण हमने देखा नज़दीक में रहते हुए, ऐसे गुण महाराज को किसी साधु के अंदर में नहीं दिखती है। अक्सर करके हर गौड़ी मठ में प्राय करके देखा, अगर थोड़ी सी उच्च में कोई बढ़ जाए ना हरिकथा सीखने लग जाए सब टांग खींचना शुरू कर देते, ये हमसे बड़ा नहीं बन जाए। लेकिन हमने देखा मथुरा में आकर के जो अच्छे हरिकथा बोलते हैं, हमारे सिद्धांत तत्व दर्शन को अच्छे तरह से बोलते हैं, हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज इतने प्रसन्न उसके ऊपर होते थे, इतने खुश होते जो सोच नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चों को सिखाने में उनका रुचि थी और सबको उत्साहित करते हुए सबको सिखाया करते थे। महाराज कहते थे हमारी असली धन क्या है, जैसे एक पिताजी का अगर कोई बिजनेस हो वो क्या सोचता है मेरे बाद में ये बिजनेस को कंटिन्यू कौन चलाएगा मेरे बिजनेस को, सोचते ना हर पिताजी। उसी तरह गुरुदेव कहते थे हमारी गौड़ीय मठ का असली सिद्धांत क्या है, असली धन क्या, ईंट पत्थर ये मत नहीं है, ईट पत्थर ये मठ नहीं, मठ है ये सिद्धांत, ये तत्व दर्शन ही हमारी ये मठ है, गुरुदेव का ये सिद्धांत था। इसलिए होने का नाते गुरुपाद पद्म ने ऐसे बना करके गए
देखो हम तो उदाहरण देते थे जैसे पारस पत्थर जैसे होता है स्पर्शमणि, जैसे स्पर्शमणि में जैसे लोहे को स्पर्श कराओ ना वो सोना बना देती है, उसी तरह गुरुदेव जैसे टीचर वो स्टूडेंट नहीं बनाते वो टीचर बनाता है, उसी तरह हमारे गुरुदेव जिसको स्टूडेंट नहीं बनाए और उन्होंने टीचर सबको बना दिया, सबको उन्होंने गुरु बना दिया। इसलिए गुरुदेव स्वयं बोल कर जब बोले बोले आचार्य को निरूपण करो, बोले आचार्य स्वयं प्रकटित होंगे, स्वयं आचार्य प्रकटित होंगे। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म ने एक एक शिष्यों के अंदर में एक एक चीज दे करके गए। जैसे बताया श्री बन महाराज जी ना, श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष महाराज जी, हमारे रामचंद्र प्रभु देखो बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं बैठ बैठ करके, ये चुटकुला ऐसे कथा सुनाते हैं लोग का, ऐसे चुटकुला को माध्यम से बड़े बड़े सिद्धांत को तत्व दर्शन को प्रकाश कर देते हैं, इतने सुंदर। हमारे तीर्थ महाराज, अब तीर्थ महाराज को दर्शन किए हैं, कौन तीर्थ महाराज को दर्शन किए हैं, वो कैसे थे अब देखे होंगे तीर्थ महाराज को, जैसे कैसे मथुरा में जब गुरु जी को पास में रहते थे उसी समय में कोई तिथि आ जाती थी ना, जैसे जन्माष्टमी राधाष्टमी और हमारे सारे ब्रह्मचारी सन्यासी तैयारी करना शुरू कर 10-15 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते थे, क्योंकि गुरुदेव 4-5 दिन पहले से ही, अगर जैसे कृष्ण का जन्माष्टमी आता ना सचमुच से गुरुदेव सभी को ऐसे तिथि में ऐसे सभी को अंदर में वो भावना और वो आवेश को डाल देते थे। 5-6 दिन तक केवल कृष्ण तत्व के ऊपर भी विवेचना होता था, केवल कृष्ण तत्व के ऊपर विवेचना होती थी। गुरुदेव ऐसे गुरुदेव ने सिखाया। जब मैं सबसे पहले आया हूँ एक दिन में तो नया नहीं आकर मेरे 20 साल होगा, बोले रसानंद भक्तिमन ठाकुर का संबंध में कुछ बोलो, मैं तो नया आया था फिर हिंदी नहीं आती थी, बोले गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोले तू मेरा आदेश पालन करूँगा, तेरा आदेश मैं पालन करूँगा। बोले देखो गुरुदेव मतलब बच्चों को कैसे सिखाया करते थे। अभी मैं क्या फिर बोले मैं खड़ा हो गया, मेरे शरीर से तो पसीना पसीना बह गया, क्योंकि इतना वैष्णव लोग बैठे हुए साधु लोग उनको सामने हम क्या बोले, मेरे उम्र कम और हिंदी भी नहीं आती। फिर बलदेव विद्याभूषण अतिथि आया तो गुरुदेव का ये था जब कोई व्यक्ति एक हरि कथा को बोलेगा रिपीटेशन कोई नहीं कर सकते, नया विचार। बोले गुरुदेव कैसे अपना शिष्यों को तैयार किया, अभी सविता बोल रही थी ना आप देखोगे जैसे रूप गोस्वामी का अतिथि होता है, गुरुदेव मेरे को ये आदेश देते थे जे जाओ सारे बड़े बड़े विद्वान को और बड़े बड़े जो हरिकथा जानते उनको इन्वाइट करो, एक जो विषय वस्तु को पाना बड़ा कठिन, गौड़ीय मठ में एक गौड़ीय मठ के एक वक्ता मिलने कठिन होता था। मैं कोशिश करता था सर गौड़ीय मठ से जो हरिकथा बोलते आए, लेकिन बड़े कष्ट से 2-3 कोई वक्ता मिलते थे। लेकिन हमारे मंदिर में देखो, हमारा मंदिर एक एक सन्यासी, हम कहते हैं ना ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे धनजने, महाप्रभु का जो भक्त लोग है एक 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 ब्रह्मांड को तार सकते हैं। अगर ये चीज कहीं दिखाई पड़ता है ना हमारे सन्यासियों के अंदर में देखो, गुरुदेव कहते थे इनकर जैसे बन महाराज हरिकथा बोलते थे, बन महाराज जो हरिकथा बोलते थे हम गुरुदेव तो बेल बजाते थे, लेकिन इनकी हरिकथा ही खत्म नहीं होता था। गुरुदेव बोलते थे इनका लगाम को खींचना पड़ता है, लगाम को खींचना पड़ता है। इसलिए ऐसे गुरुदेव का जो सन्यासी लोग एक एक काम देखो, एक एक आप दूसरे गौड़ीय मठ में कथा सुनने के लिए जाओ, लेकिन हमारी गौड़ीय मठ में हमारी महा सोसाइटी में कथा सुनो एक से एक धुरंधर है। सन्यासी की बात अभी बता रहे थे ना, लेकिन किसी ब्रह्मचारी को जैसे हमारे उत्तम प्रभु यहाँ बैठे हुए, हमारे विजय प्रभु सचमुच से ये बात नहीं है, ये लोग इनको खड़ा करो ना मानो सारे वेद वेदांत उपनिषद मूर्तिमान रूप में इनके अंदर में प्रकट हो जाते हैं, इतने इनके अंदर में स्मरण शक्ति, इतने स्तुति स्तव। एक एक ब्रह्मचारी को अंदर में गुरुदेव का जो ब्रह्मचारी और गृहस्थ भक्तों में अभी आप लोग तो देख रहे थे, अभी गृहस्थ हमारे भक्त लोग गुरुदेव का शिष्य लोग जो बोल रहे थे, एक एक गृहस्थ बच्चे कितने सुंदर, जब बाहर का लोग सुनते हैं ना दंग रह जाते थे। इनकी बात छोड़ दो, जो माताएं अभी बता रहे थे ना अमर उमा दीदी को देखो बैठे करके मुस्कुरा रहे, देखो उमा दीदी के दर्शन कर दो, इसी उम्र में ही उमा दीदी विश्व ब्रह्मांड में टहलका मचा रही है। कितना उम्र होगी उमा दीदी? 88 उम्र होगी। अब समझ सोच सकते हो अब इतना चल भी ठीक से नहीं पाती है, लेकिन इसी उम्र में भी जा करके सारा दुनिया में भगवत भक्ति को ये प्रचार करती है। लड़कियां भी हैं, अभी तो सविता की एक लड़की की सविता की आप कथा सुन रहे थे, सोचना जैसे आचार्य जी जैसे दबा करके सचमुच इसने गुरुदेव के पास में बहुत सेवा भी की, इसने
बड़ी गुरुदेव का सारी हरि कथा नोट करती थी, जो दामोदर अष्टक उसी ने ही नोट की थी, सारे दामोदर अष्टक जो निकली इसके नोट से, वेणु गीत भी इसी ने गुरुदेव का सारी कथा को नोट की थी, इसके नोट से ही ये वेणु गीत दामोदर अष्टक बनी है, हैं हैं। भजन रस ये सब ग्रंथों को उन लोगों ने, गुरुदेव जब कथा करते थे लड़कियाँ, वो गुड्डी को देखी होंगी, एक कविता है वृंदा, हमारे श्याम रानी को तो आप जानते हो, सारा दुनिया में हरि कथाओं को प्रचार करती है सारा दुनिया में। सचमुच से जो हमारे गुरुपाद पद में ना, वो साधारण नहीं थे, सबको उन्होंने लोहे जैसे स्पर्श मणि जैसे स्पर्श कराने पर वो लोहे बना देती है, लेकिन हमारे गुरुदेव लोहे नहीं बनाए, उन्होंने लोहे को स्पर्श मणि बना दिए, लोहे को उन्होंने पारस पत्थर गुरुदेव ने बना दिए। ऐसे गुरुदेव के अंदर में दिव्य शक्ति, इसलिए शिष्यों के अंदर में एक एक शिष्यों को उनको देखो, जैसे तीर्थ महाराज के बारे में बोलते थे, उनके बारे में बोल रहे थे, हम लोग तो 10-15 दिन पहले तैयारी करते थे, क्योंकि गुरुदेव बोलते थे कोई हरि कथा की बात रिपीटेशन नहीं करना, लेकिन तीर्थ महाराज जो थे ना, वो सारा दिन सेवा करते थे, रोसी बनाना सेवा करना, और जब इनको बारी आता थे खड़ी कर देते थे ना, ऐसे लगता था मानो जितने सारे ग्रंथ सिद्धांत हो उनकी मुँह में सब कुछ प्रकट हो गया, क्या लगातार कथा सुनाते थे, लगातार उनको बुद्धि पता नहीं मेमोरी क्या उनकी मेमोरी थी, तीर्थ महाराज की अद्भुत रूप में इनकी मेमोरी थी। इसलिए जो सुंदरता में गुरुदेव का जो शिष्यों के में देखो, हमारे यहाँ पर सब महाराज लोग बैठे हुए, दंडी महाराज का देखो, श्रौती महाराज का देखो, पद्म नाम महाराज का देखो, ये अंग्रेजी भाषा में सारा विश्व में ये अंग्रेजी भाषा में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव का जो एक एक जो गुण है ना, उनके सारे सन्यासी के अंदर में एक एक गुण देखो, सारे सन्यासी के अंदर में, सारे भक्तों के अंदर में, इनके सारे दिव्य शक्ति इनके अंदर में दिव्य रूप में प्रकाशित है। अभी प्रश्न है, हम लोग गुरु जी के चरण में इतने ऋणी क्यों है, कारण क्या है, हैं? कारण क्या गुरु जी के चरण में इतना ऋणी क्यों? बोले कारण गुरुदेव कहते थे, जब श्री भगवान राम आए होंगे हम किसी ना किसी रूप में उसी समय हुए होंगे जरूर, जब भगवान कृष्ण आए उसी समय जरूर हम कीड़े पतंग व निशान रूप में उसी समय भी हम होएंगे, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब भी हम किसी ना किसी रूप में जगत में जरूर होएंगे, उस समय में जरूर हम होएंगे, लेकिन जब सड़गो स्वामी लोग आए हम किसी ना किसी रूप में होएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने हमें उद्धार किया है, महाराज का ये मुख का वाणी है, अभी तक किसी ने हमें उद्धार किया, किया उद्धार किया, किसने उधार नहीं किया, किसने हमारी चोटी पकड़ करके नरक से निकाला, तो किसने हमारी चोटी पकड़ कर निकले, श्री गुरुपाद पद्म ही हमें ये नरक से चोटी पकड़ कर निकालने वाले तो श्री गुरुपाद पद्म है। बोले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही ठीक से, बोले श्री नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए महाराज नहीं हमें ये नरक से अगर निकाले तो गुरुदेव ने निकाले, इसलिए बोलते हैं बोले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम कहते मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये श्लोक में कहते हैं बोले ध्यान मूलम गुरु पदम, जगत में जितने तरह का ध्यान है, ध्यान में सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या है, बोले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हम सर्वे उठकर क्या करते हैं, सबसे पहले संसार दावा नड़लीढ़ लोक त्राण आय कारण, सबसे पहले हम गुरु जी की वंदना करते हैं, इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। बोले पूजा मूलम गुरु पद, बोले जितने पूजा में सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है, बोले श्री गुरुपाद पद्म की चरण कमल है। कहते मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जितने मंत्र में मूल क्या है, बोले गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करि आई क आर ना करिह मने आशा। बोले मुक्ति मूलम गुरु कृपा, संसार से हमारी उद्धार कैसे होगी, केवल गुरु जी की कृपा से ही ये संसार से हमारे उद्धार हो सकती हैं। इसलिए हम संपूर्ण रूप में श्री गुरुपाद पद्म में हम संपूर्ण रूप में हम ऋणी हैं, हम लोग अहोभाग्य है, हम श्री गुरु जी के श्री चरण में हम लोग ने गुरु जी के श्री चरण में आए। इसलिए गुरु जी का जो नाम हम इसको पर व्याख्या करते हैं, इनका नाम नारायण गोस्वामी महाराज हम कहते हैं ना, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है
तब भी ज्योतिष ने इनका नाम नारायण रखा, लेकिन जब मंदिर में आए तब गुरुदेव ने क्या नाम रखा, गौरव नारायण। लेकिन जब उनकी सन्यासी हुई उनका नाम क्या हुआ, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। देखो तीनों अवस्था में इनका नाम नारायण नारायण नारायण। कहते भैया इनका हमारे भारत में आपको पता होगा जब कोई नामकरण करते हैं ना ऐसे देश नाम नहीं ले लेते हैं, ऐसे देश नाम लेते हैं वो जन्म पत्र देख करके उनका नामकरण होता है। हम देखते तीन अवस्था में नारायण नारायण नारायण, तब इनका नाम नारायण क्यों, इसका तीन अर्थ है। पहला अर्थ है नार मतलब होता है जितने इंसान, और अयन मतलब होता है सारे जीवों का जो आश्रय है। सचमुच से हम हमारे महाराज जी को अंदर में ये चीज को हम स्पष्ट रूप में हमारे महाराज जी को अंदर में दिखते हैं। इनको पास में जैसे एक महाभारत कहते अयम निज परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित मना तो वसुधैव कुटुंबकम। कहते ये मेरा ये तेरा ये किसका भावना है, अयम निज परवेति गणना लघु चेतसाम, जिनका हृदय छोटा हृदय है वो मेरा तेरा तेरा मेरा करता है, लेकिन उदार चरित मना तो जिनका हृदय उदार है कहते वसुधैव कुटुंबकम, सबको वो अपना एक परिवार रूप में देखते हैं। हमारी महाराज जी के अंदर में ये जो गुण है ना प्रत्यक्ष रूप में इनके अंदर में ये सारे गुण इनके अंदर में प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। इन्होंने कहीं भी मेरा तेरा बोले ही नहीं। अब देखो इनको पास में अक्सर करके जिन लोगों ने इनको पास में शास्त्र सिद्धांत तत्व दर्शन सीखे व इनके चरण में आश्रय करते भजन सीखे अक्सर करके दूसरे शिष्य है, वो अपना शिष्य बहुत कम दूसरे शिष्य ज्यादा है। देखो श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, हमारे श्री माधव महाराज, श्री तीरथ महाराज, बन महाराज, प्रेमानंद प्रभु, नारसिंह महाराज, ये सब किसके शिष्य हैं, ये सबके सब श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज के शिष्य है। इसलिए महाराज जी के अंदर में एक विशेष गुण था, क्या गुण था, जैसे नवद्वीप परिक्रमा जब जाते थे महाराज जी वो देखते थे छोटे बच्चे क्या कहीं है, छोटे नए बच्चे आए हैं महाराज पकड़ पकड़ उनको ले जाते थे, बोले चलो मेरे साथ में मथुरा में चलो, मेरे साथ में मथुरा में चलो, और गुरुदेव मथुरा में उनको ला करके आप लोग जो मथुरा में रहे जो भक्त लोग रहे आप देखे होंगे रोज रोज एक एक श्लोक याद करवाना, गोस्वामी का तिथि हमें खड़ा करना, उनको उत्साह दे करके हरि भक्ति की शिक्षा देना, बड़ी उनको साधन भजन की। पहले जब महाराज जी मथुरा में रहते थे बड़ी वहाँ पर कठोर साधन महाराज ने किया, कठोर साधन किया, जो हमारे पुराने पुराने भक्त लोग जो देखे उनको पता गुरुदेव कैसे कठोर साधन भजन किया। और उनके पास में इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं श्री जीव गोस्वामी, मान इनके अंदर में श्री जीव गोस्वामी और उसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम देखते हैं ये दो जो महापुरुष महापुरुष परिकर इनकी समावेश जो मूर्ति है हमारी गुरुपाद में। जैसे बोले श्री जीव गोस्वामी ये कौन है, हमारे गौड़ीय वैष्णव का ये कौन है, कहते ना श्री जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले ऊंचाई बेतर का नल चित जाहे जोले, कृष्ण दास कबीराज रस र भंडारी हरी हेम कुंभ भरी। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं जीव गोस्वामी कौन है, बोले जीव गोस्वामी हमारे ये सिद्धांत का आचार्य श्री जीव गोस्वामी और कृष्णदास गोस्वामी रस का, और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रस का आचार्य है, हमारे गुरु जी का जो हरि कथा आप लोग ऑडियो वीडियो में सब कथा आ रही है, आप लोग जरूर अभी अजय प्रभु बोल रहे थे ना जरूर ये कथा को सुनना। इनके अंदर में दो चीज है, इनके अंदर में दो चीज स्पष्ट रूप में इनके अंदर में दिखाई पड़ता है। अगर गुरुदेव अगर किसी को खड़ी कर दिए, अगर किसी ने साधारण कोई गुरुवर्ग का तिथि हो अगर कहानी कहानी रूप में बोल देना गुरुदेव बिगड़ जाते, बोले क्या कहानी सुना रहे हो, ये कहानी क्या सुना रहे हो, अरे इसके अंदर में तत्व दर्शन क्या, ये चीज को तो बताओ उसमें तत्व दर्शन क्या है। इसलिए गुरु जी के अंदर में जैसे सिद्धांत है इनके अंदर में वैसे तत्व दर्शन था। अगर इनकी हरि कथा अगर कोई सुन लिया ना आपको ग्रंथ पंथ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, केवल जिन्होंने केवल बैठी करके इनको सामने केवल हरि कथा को जो ठीक ठीक से सुन लिया ना एकदम मन लगाकर हरि कथा सुन लिया
जगत में बड़े बड़े आचार्य बन गए सबके सब, हैं बड़े बड़े दिग्पाल बन गए, कि उनका जो हरि कथा केवल एक मन से जो सुन लिया। इनके अंदर में मानो ये दो चीज विश्वनाथ चक्रधर और जीव गोस्वामी का ये समावेश हमारी महाराज के अंदर में, ये दो चीज रस और सिद्धांत, जैसे उनकी सुंदर हरि कथा और कथा वैसे सिद्धांत युक्त इनकी हरि कथा है हरि कथा इनकी दोनों विचार पूर्ण। इसलिए कहते ये कहते जितने हम इनको श्री जीव गोस्वामी को साथ में उदाहरण देते हैं, जैसे श्री जीव गोस्वामी को पास में जैसे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये तीनों ने इनको पास में सारे ग्रंथों को अध्ययन किया, लेकिन ये तीनों कोई इनका शिष्य ही नहीं थे। श्री कृष्ण श्यामर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये लोकनाथ दास गोस्वामी का शिष्य है। श्रीनिवास आचार्य ये किसका शिष्य है, क्या श्रीनिवास आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य है। श्यामानंद प्रभु ये गौरदास पंडित का शिष्य है, हृदय चैतन्य के शिष्य है। ये तीनों का अलग अलग शिष्य, उनका कोई शिष्य नहीं था तीनों जीव गोस्वामी का, लेकिन ये तीनों को उन्होंने क्या किया, सारे शास्त्र विचार में इनको उन्होंने पूरा निपुण किया और तीनों को उन्होंने तीन दिशाओं में भेजा, एक मणिपुर में, एक बंगाल में और एक ओडिशा में भेजा, और ये तीनों ने विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। देखो हमारे गुरु जी के अंदर में, देखो गुरु जी के अंदर में भी दूसरे दूसरे करके अक्सर करके इनकी पास में बाहर के, जैसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इनका जितने शिष्य लोग थे, बोले कौन, देखो यहाँ पर हमारे कौन कौन बैठे, हमारे महाराज ये सज्जन महाराज, पद्मनाभ महाराज, नवी महाराज, श्रौती महाराज, श्यामरानी दीदी, कहते ये लोग भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्य सबके सब है। श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के, सिद्धांति महाराज, माधव प्रिय प्रभु जैसे मेरे गुरुपाद पद में हैं, श्री हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज का शिष्य, श्रील गौरव गोविंद महाराज का शिष्य, अक्सर करके प्राय इनकी शरण में जो आए ना दूसरे 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 के शिष्य लोग इनके पास में आए, और गुरुदेव ने कोई अपना पराई नहीं मान करके, कारण क्या इनके पास में इतने लोग उमड़े क्यों, कारण क्या इनको ऊपर में इतने लोग उमड़े क्यों, विश्व ब्रह्मांड के लोग इनके पास में आए कैसे, बा इनके प्रचार ये संपूर्ण रूप में विश्व में ये प्रचार हुई तो प्रचार हुई कैसे, कारण क्या है, इन्होंने सबको उन्होंने अपनाया और अपना करके। अभी एक दीदी बोल रही थी ना, जब वो किससे बात करते, एक महाभागवत का लक्षण है, जब किससे वो बात करते हैं ना उनको ऐसे लगता है शायद गुरुदेव मेरे को जितने प्रेम करते हैं ना शायद उतना प्रेम और किसको ये करते ही नहीं। इनके अंदर में एक विशेष गुण था, जिससे बात करते थे इतने प्रेम से, और जितने लड़कियों को तो अपना अपना बेटी मानती थी, अब जितने लड़के हैं ना ये सबके सबका अपना बेटा मानते थे, ये शिष्य नहीं मानते थे बेटा मानते थे। बोलते ना एक शिष्य गुरु जी के पास में कब रहेगा, एक पिता माता की स्नेह प्रेम छोड़कर घर छोड़कर मंदिर में आता है, जब पिता माता का प्यार जितना था अगर किसी गुरु जी का प्रेम उससे ज्यादा हो तभी कोई ये मंदिर में टिक सकता है, नहीं तो टिक नहीं सकता है। इसलिए ये गुरु जी के चरण में इतने लोग रहे तो रहे क्यों, कारण यही था एकदम पिता जैसे उन्होंने जो जो थे उनके पास में सब महाराज लोग जैसे यहाँ पर एकदम पिता जैसे उन्होंने सबको प्यार देते थे, सबको लगता था गुरुदेव हमें जितना प्रेम करते उससे ज्यादा प्रेम किसको ये नहीं करते हैं। इनके अंदर में इतने दया की और इतना प्रेम की भावना इनके अंदर में इतने दिव्य रूप में थे, इसलिए इनका जब नारायण है। और सचमुच से देखो जैसे जीव गोस्वामी ने तीनों दिशाओं में प्रचार भेज करके प्रचार किया, देखो हमारे सन्यासी लोग संपूर्ण विश्व में, वन महाराज कहाँ, इनको तो मेन कंट्री कौन सा कंट्री है, ब्राजील, ये ब्राजील की माँ है। अरे हमारे माधव महाराज जी ये तो संपूर्ण विश्व में, इनको तो अमेरिका की सिटीजन के अंदर में, इसलिए पूरा अमेरिका ने ही संपूर्ण दुनिया में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे सिद्धांति महाराज वो भी संपूर्ण विश्व में प्रचार कर रहे हैं, हैं मैं भी इनको पीछे पीछे थोड़ा बहुत चले जाता हूँ इनके पीछे पीछे। और हमारे और कौन कौन महाराज है, सबके सब, नरसिंह महाराज को देखो, रामचंद्र प्रभु को देखो, ये तो पूरा दुनिया में ऐसे कैसे पृथ्वी को संपूर्ण रूप में परिक्रमा कर रहे हैं। विजय प्रभु जी, हमारे नेमी महाराज और हमारे दंडी महाराज, शांत महाराज, ये जितने महाराज लोग हैं
अभी सचमुच से गुरु जी की बात में इन लोगों ने सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी जीव गोस्वामी जैसे गुरु जी के अंदर में ये गुण था सारा दुनिया में, इसलिए पहला नंबर नारायण। नर मतलब जितना जीव है, अयन मतलब होता है सब जीव को जितने आश्रय दिया है। दूसरा अर्थ नारायण का, नर मतलब होता है ज्ञान, अयन मतलब होता है सारे ज्ञान का जो भंडारा, सारे ज्ञान का जो मूर्तिमान। सचमुच से जब मैं मथुरा में आया, मैंने तो सुना था हमारे वहाँ के नंदन नंदन प्रभु अभी गोवर्धन में, जब मैं जब उनके पास में आता था मेरे मन में, जब उन्होंने देखा हरिकथा सीखने की सीख्या है, इन्होंने मेरे को महाराज के पास में भेजा था, बोले वहाँ पर चले जाओ, आपके मन में बड़ी इच्छा हरिकथा सीखने की, आप चले जाओ वहाँ पर, चले जाओ वहाँ पर सब बच्चों को महाराज जी हरिकथा सिखा देते हैं। और मैं जब सचमुच से मथुरा में आया, मैं जो चीज़ देखा है ना, ये तो हरिकथा की मंदाकिनी की नदी की धारा बह रही है, मंदाकिनी नदी की धारा बह रही थी। जिन लोगों ने गुरु जी का समय में जैसे रामचंद्र राग लगा दी थी, दिल्ली से सुनने के लिए 6 घंटा 7 घंटा मैं आना जाना, केवल 1 घंटा कथा सुनने के लिए सब आते थे इतने दूर से, और दूसरे दूसरे मंदिर के सन्यासी ब्रह्मचारी सब के सब बाढ़ जैसे गुरु जी के पास में सब के सब टूट पड़े। इसलिए मैं जब देखा हमारे किसी गौड़ीय मठ में दिन में कोई एक बार कथा हो जाता था, वहाँ पर तो देखा दिन में 3-3 कथा बार होती थी। फिर जब कोई गुरुवर्ग का तिथि आए ना, मैं स्वयं देखा गुरुदेव 4 बार बैठते थे महाराज, 4 बार सवेरे 1 बार बैठते, 10 बजे 1 बार फिर बैठते थे, 4 बजे फिर आरती के बाद में। मैंने देखा हे भगवान, वहाँ पर गुरुदेव है ना, मैंने देखा वहाँ पर संपूर्ण रूप में ब्रह्मचार्य को, जैसे श्री मातंग ऋषि का आश्रम था ना, अगस्त ऋषि मातंग ऋषि का आश्रम में जैसे भगवान राम आए, उनने क्या देखा, जैसे जैसे नेवला और सांप दोनों चुम रहे आपस आपस में, जैसे बाघ का प्यार के ऊपर में जैसे हिरण सर रख कर सो रहा है, उनने सर विपरीत चीज देखा वहाँ पर। बोले भैया ये किसका किसका ये क्षमता है, एक दोनों का जो आहार है वो आपस आपस में प्रेम कर रहे हैं। इसलिए सचमुच से जो मैं मथुरा में आया ना, परिवेश ऐसे मथुरा की थी, जो लोग मथुरा में रहे उन लोगों को पता है कैसे गुरुदेव रहने पर कैसे संपूर्ण आश्रम का जो परिवेश है वो परिवेश दिव्य परिवेश था, साधारण परिवेश वहां पर था नहीं। क्यों? गुरुदेव की प्रभाव से संपूर्ण जो आश्रम पूरा परिवर्तित था। इसलिए गुरुदेव के अंदर में जो ज्ञान, नर मतलब ज्ञान का जो अयन, तीसरा अर्थ होता है नर मतलब होता है रस, अयन मतलब होता है सारे रस का जो आश्रय स्वरूप श्री नारायण गोस्वामी महाराज। इसलिए इनके जो हरि कथा है ना, इतने मीठा हरि कथा है ना, मैं हृदय से कहता हूँ, मैं जब गुरु जी से मैंने जब कथा सुन लिया ना, और कहीं भी मेरे को कथा सुनने की इच्छा करनी करती थी, और कहीं भी मेरी कथा सुनने की इच्छा नहीं करती थी, गुरुदेव की इतने मीठी मीठी कथा, इतने रस सिद्धांत। इसलिए महाराज जब शुरुआत करते थे ना, बाच बेगम मनस क्रोध बेगम, ऐसे वैदिक भक्ति से शुरू करते थे, लेकिन जब समाप्त करते थे, कहाँ पर समाप्त करते थे, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचीत उपासना ब्रज वधूव लखन जाकल्पिता, क्योंकि जो हृदय में जो चीज होती है ना, वो अपनी आप उघड़ करके बाहर आती है, अपनी आप निकल कर हृदय की वस्तु तो वाणी रूप में आएगा, वो कहीं से क्यों नहीं शुरू कर, वैधि भक्ति से शुरू करते थे, लेकिन अंतिम में जा करके रागानुगा भक्ति में, रागात्मिक रुगा भर विशेष करके रूपानुगा भक्ति में गुरुदेव जा करके उसमें जा करके गुरुदेव समाप्त कर, जब तक वहाँ पर समाप्त नहीं करते ना, तब तक गुरुदेव को कथा खत्म नहीं होता था, वहीं पर जाकर कर। इसलिए कहते ये पूरा रस का जो मूर्तिमान स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म है, कहते इनको हम विशेष करके इनको 3 मृदंग कहते हैं। पहला मृदंग है जो मृदंग बजाते वहाँ भजन गाते हैं। जब मैं मथुरा में आया, दूसरे गौड़ी मठ देखा, जैसे नमामि स्वरम सचित ऐसे, लेकिन केवल जब मथुरा में जो मैं आया, देखा गुरुदेव का जो भजन भी अभी अभी उपलब्ध है, आप लोग सुनोगे क्या, जैसे कोयले जैसे कुहकती है। अब लोग सुने हो गुरुदेव के भजन, कौन कौन सुने हो, कितने सुंदर। इसलिए जब इनको जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज पास में जब कोई आता था, अगर कोई बोलता भजन सीखना, कहते जा गौर नारायण के पास में जा, मतलब गुरुदेव का ब्रह्मचारी का नाम था गौर नारायण। अब महाराज कहते थे, मैं जब रसोई बनता था, जब हमारे गुरु जी प्रसाद पाते थे ना, कहते थे जरूर इसको गौर नारायण बनाया होगा,
गुरुदेव कहते थे मेरे प्रसाद, इसलिए उसके बाद माधव महाराज बनाए। ये भी बड़े डाल का जो छोंक देते हैं ना, सुना महाराज से, नवीन महाराज कहते थे इनको जरूर डाल खिलाना, क्योंकि उसमें हींग दे करके महाराज बड़े सुंदर, महाराज से सीखे ना बड़े सुंदर प्रसाद। इसलिए महाराज जब इनके हाथ की प्रसाद पाते तो उनको पता चलता था शायद माधव महाराज इसको बनाए होंगे, क्योंकि इनके हाथ में ये टेस्ट था। इसलिए कहते तीन पहला जो मृदंग जो मैंने पहला आकर के सुना गुरुदेव, तो पूरा एक महीना तक उन्होंने जो नमामि स्वरम उसको कितने सुंदर, अभी भी गुरु जी की भजन उपलब्ध है। कहते नमामि स्वरम सचिदानंद रूप लसत कुंडल गोकुल ब्रजमान यशोदा बियालोक लाभ भाव मान। ट्रांसलेशन नहीं किया है इतने सार ग्रंथों को, जैव धर्म तो गुरुदेव कहते 60 बार पढ़ करके मैंने इसको ट्रांसलेशन किया, उसको बाद में कितने ग्रंथ है अक्सर करके हमारे गौड़ीय ग्रंथ महाराज ने ही इसको ट्रांसलेशन किया है गुरुपाद पद्म ने। इसलिए ग्रंथों के ऊपर में उनका विशेष अवदान ग्रंथों के ऊपर, अब विशेष करके ग्रंथ तो प्रकाशित किए हैं। एक समय पद्मनाभ महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, कहते जो संबंध तत्व को स्वामी महाराज ने विदेश में प्रचार कदम में आना, विशेष करके गुरुदेव टेर कदम, बोले क्यों, कारण है जो टेर कदम है श्री रूप गोस्वामी का भजन स्थली और हम श्री रूपान को गौड़ीय वैष्णव वहीं पर ही जम कली रूप शरीर न धारत हो। ये जो भजन को गुरुदेव आप जरूर सुनना, उनका कथा होएगी रूपानुगत्व को जिस रूप में स्थापन करते थे, कहते हमारा जीवन केवल श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में भजन करना, इसलिए उनको विशेष विशेष ये चीज उनको प्रिय था। और जो तीसरा मृदंग है जो जीवंत मृदंग रूप में महाराज जी संपूर्ण विश्व में कितना बार, माधव महाराज को पता होगा सब, उन्होंने विश्व में कितना बार गुरुदेव ने प्रचार और कितना उन्होंने प्रचार किया। विशेषकर गुरुदेव ने एक ग्रंथ किया था जिसका नाम था प्रबंध पंचकम। हाँ टाइम हो गया 2 मिनट। प्रबंध पंचकम महाराज जानते हैं, कुछ कुछ बाबा जी लोग हमारे गौड़ीय वैष्णव को कटाक्ष करते थे, बोले इस लाल कपड़ा कहाँ से ले आए, गोस्वामियों को तो लाल कपड़ा था ही नहीं, इनका तो कोई गुरु परंपरा है ही नहीं, इनका कोई गुरु परंपरा नहीं। कहते जिसको तिसको ये अपना गुरु बना दिया परंपरा में ले आए, इनका लाल कपड़ा कहाँ से आए इनके, इसलिए कुछ कुछ लोगों को भ्रमित करते थे। लेकिन हमारे महाराज जी ये ग्रंथों को आप लोग जरूर पढ़ना जिसका नाम प्रबंध पंचकम, जिसमें 5 प्रबंध है। गुरुदेव ने जब वो ग्रंथों को उन्होंने निकाला, कहते हम 2 परंपरा बताई, एक भागवत परंपरा और शिष्य परंपरा। इसलिए शिष्य परंपरा में जो शिष्य से जो शिष्य मंत्र लिए, जो भागवत परंपरा जो शिक्षा को ग्रहण करे, इसलिए भागवत परंपरा गुरु परंपरा में जो सूक्ष्म विचार दिखाए। और हम लोग जो लाल कपड़ा जो त्रिदंडी सन्यासी है गुरुदेव ने कहा, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी सबके सबके से त्रिदंडी सन्यासी थे, महाप्रभु का न सन्यासी थे। उन्होंने जो जो उन्होंने गौरी के वचन कहा जरूर आप लोग पढ़ना, क्योंकि कुछ बाबा जी सहजिया लोग हमारे गौड़ीय वैष्णव बाप का प्रतिष्ठा को देख करके, इसको गौड़ीय मठ का प्रचार को देख कर उनका आँख फट जाती है, वो ईर्ष्यान्वित होकर के वो लोग लोगों को बहकाने के लिए उल्टा पुल्टा बात बोल देते हैं। चूंकि हम ग्रंथ पढ़ते नहीं इसलिए बहक जाते हैं, इसलिए जरूर ये ग्रंथों को पढ़ना। जिस समय ये ग्रंथ निकाले गुरुदेव ने, आप सोच नहीं सकते बाबा जियों के मंदिर कैसे खिलबिल मच गया। मैं वृंदावन में था ना, वो बाबा जी लोग आकर हमसे मांग मांग रहे, महाराज बोले फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करो, और मैंने बहुत फ्री दिया। इतने उनको उन लोगों ने बहुत बड़ा मीटिंग बनाए, नारायणी महाराज तो नाम जो श्यामलाल के हाकिम, उनका पूरा नाम ले करके उन्होंने, और राधा गोविंद नाथ ये सब नाम लिया, किस किस ने ये सब बात उल्लेख किया गुरुदेव स्पष्ट रूप में। कहते ना आचार्य सिंह रूपिणी जैसे भक्ति प्रज्ञान के सब गोसाई मारते, हमारे गुरुदेव भी किसी चीज पर समझौता नहीं करते थे। समझौता समझते हो, हाँ ठीक है, नहीं है तो है, नहीं तो नहीं। हमारे गौड़ीय वैष्णव विचार से ठोस करके गुरुदेव ने जैसे बताया ना, सारे बाबा जियों में मीटिंग हुआ, कैसे नारायण महाराज ने हम लोग डायरेक्ट नाम को उल्लेख करते, बड़े बड़े आचार्यों का नाम को उल्लेख करते हुए कैसे बोले हम इसको उत्तर देंगे। बहुत बड़ा मीटिंग किया, लेकिन मीटिंग करते हुए भी कुछ नहीं हो पाया, कि बोले क्यों, गुरुदेव ने जो प्रमाण दिया है ना अपना मन से नहीं बोले,
वेद में ये बताया, पुराण में ये बताया, उपनिषद में ये बताया, इतना ठोस विचार गुरुपाद पद्म दिए थे, लास्ट में सबके सब चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। इसलिए आचार्य का दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हमारे महाराज के रस की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, आचरण दृष्टि से, भजन दृष्टि से, अगर किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखोगे ना, हमारे महाराज जी एकदम परिपूर्ण रूप में। महाराज जी अभी बोल रहे, मना कर रहे, मैं तो अभी शुरुआत किया था, अभी मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था। उनका परिक्रमा वशिष्ठ बहुत बहुत हुए, इसलिए गुरुदेव का जो देन है ना, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। कहते एक आचार्य अभिमान, आचार्य एक बताए, इसका मतलब होता है भले ही तुम्हारी भजन नहीं हो पाए, हमारे श्री ये हमारे जीव गोस्वामी कहते भी सुना, भले ही भजन नहीं हो पाए, अगर केवल इतना अभिमान हो जाए, बोले तुम्हारे गुरुपाद पद्म कौन है, बोले भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, बोले तुम उनको गुरुदेव कौन है, बोले भक्ति प्रज्ञान विनोद मंजरी, उनका गुरुदेव कौन है, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो कि नयनमणि मंजरी, उनका गुरुदेव कौन है श्री गौर। कहते अगर इतना अभिमान अगर तुम्हारे अंदर में आ गई ना इतने, इसलिए गुरु परंपरा में वो कहते हैं इसी से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जैसे तुम्हारे बड़े बड़े कहीं अगर फंस गया, अगर प्राइम मिनिस्टर से तुम्हारे संबंध है, अगर बोल देगा ना मोदी ये लगता है ए जब ये जाओ जाओ, कहते उसी तरह अगर हमारे अंदर में इतना अभिमान आ जाए, आचार्य अभिमान हमारी ये गुरु परंपरा में, वो कहते इससे ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने का तुम्हारे जरूरत है नहीं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान ऐसे गुरु परंपरा की आचार्य परंपरा में हम लोग आए हैं। हमारी तो बद्ध जीव, हम साधन भजन क्या कर सकते, हमसे तो कोई साधन भजन होता ही नहीं, लेकिन ये गुरुवर्ग हम लोगों के ऊपर कृपा करे, ये लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद करे, किसी ना किसी जीवन में इनके आनुगत्य में रहते हुए, गुरु वैष्णव के आनुगत्य में रहते हुए एक जीवन किसी तरह से भजन में बीत जाए। मेरे गुरुदेव यही कहते थे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, जो तिलक लगाते हो, कंठी धारण किए, भजन पूजा हरिनाम करते हो, इतना ही कर दो, इतना ही तुम्हारे जीवन में ले बहुत है। इसलिए महाराज हम सबको पर कृपा करें, हमका शतवार्षिक उपलक्ष्य में गुरुदेव जरूर, ये रमण बिहारी गौड़ीय मठ उनको बहुत प्यारा मठ है, उन्होंने जो रमणी मंजरी गुरुदेव रमणी मंजरी थे ना, इसलिए इसी उसी नाम से ये मंदिर ठाकुर का नाम रमण बिहारी है। ये गुरु जी का जो विग्रह है ना सब जगह में विनोद बिहारी, लेकिन यहाँ पर क्या है रमण बिहारी, मतलब गुरु जी का जो सिद्ध नाम है उसी हिसाब से ये मंदिर का नाम, ये ठाकुर गुरु जी का बड़े प्यारे, उनके सामने हरी कथा हो रही है, जरूर गुरुदेव यहाँ बैठी बैठी कर गुरुदेव देख रहे हैं, ये सबको पर आशीर्वाद करे, एक ना एक दिन इनके अनुगत्य में हम भगवान की भक्ति कर सके। हम यही बोल करके अपना भक्त्य को समाप्त करता हूँ। वंशाकल गुरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा। आप लोगों ने विभिन्न वक्ताओं से सुना कि बहुत लोग थे कहने के लिए, इस समय के अभाव के कारण सबको बुला नहीं सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और एक घोषणा है, श्री बल महाराज श्रीधर महाराज हम सब आलोचना किया, गुरु जी की जो मेन स्थान है मथुरा, उधर इतनी भौतिक सुविधा न रहने पर भी गुरुदेव मथुरा में सबसे अधिक रहते थे। मथुरा के सबकी गौड़ीय मठ में इस शताब्दी महोत्सव के लिए 17 एवं 18 फरवरी चयनित किया गया है। 17 फरवरी को हम नगर संकीर्तन करेंगे और 18 तारीख को शाम को 3 बजे से 6 बजे तक सभा होगी। आप सबसे सर्वत्र निवेदन है उधर प्रधान को इसको सफल बनाए। नगर संकीर्तन 13 बजे है, नगर संकीर्तन भी 3 बजे क्योंकि सर्दी का समय है, और हरि कथा भी 3 बजे से 17 तारीख को नगर संकीर्तन और 18 तारीख को हरि कथा श्री कृष्ण की गौड़ीय मठ मथुरा। महाराज जी ने बताया कि गुरु जी का जन्म का नाम था श्रीमन नारायण, और जब इच्छा हुई नाम हुआ गौर नारायण, सन्यास का नाम हुआ भक्ति वेदांत नारायण। मैं और एक जुड़ता हूँ, जब गुरु जी जगत से अप्रकट हुए, इसलिए बताता हूँ जैसे तिलक के मंत्र है ललाटे केशवम धायक नारायणम अथोदरे, और किया जो वस्त्र पहना है ऐसे गुरुदेव क्या हुआ, ये कार्तिक के बाद बताया गया है केशव मास, उसके बाद नारायण गुरुदेव नारायण महीना में ही और माधव के द्वारा सेवित होकर इस जगत से प्रकट हुई, क्योंकि नारायण के बाद माधव महीना आता है। तो जब से माधव जगत आया गुरु जी के पास
माधव के तरह सभी स्थल करके नारायण महीना में जगत से अंतर देने हरे कृष्ण पुजारी को भागवती हमारी जो सिंह की कथा हुई है हमारे रामचंद्र प्रभु जो भी महाराज अभिषेक क्या अभी अभिषेक प्रभु इन लोगों ने अथाह प्रयास किया है बहुत दिन से हम लोग साथ में ये बात लेकर बहुत भगवान इन सबको कृपा करें कि बढ़ता जा सके इनके लिए छोटा ताली बजाओ हरे कृष्ण आज शाम को 6 बजे